जी अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सैफुर रहमान है। अगर आपने मेरा पहले सेशन नहीं लिया तो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। बेसिकली आई एम वर्किंग एज अ क्रिएटिव डिज़ाइन ट्रेनर प्लस एज अ फ्रीलांसिंग ट्रेनर विद अ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्रोग्राम जिसका नाम है ई रोज़गार प्रोग्राम फ्रॉम द पास्ट 3.5 ईयर्स। और मैं इस ट्रेनिंग फील्ड में मेरी तब से ही जर्नी शुरू हुई हुई है, तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं। और आपकी तरह मैंने तकरीबन अबव 1000 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स उनको मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। मेरी मेन डोमेन डिज़ाइन की है और साथ में उसके फ्रीलांसिंग सिखाता हूँ। हमारा ये जो पर्टिकुलरली कोर्स है ये फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है और इसमें क्योंकि मेरी लिमिटेड क्लासेस थी, एक लास्ट क्लास थी और अभी इस क्लास है, तो हम इसमें मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको इस 3 घंटे की क्लास में वो सारी चीज़ें क्रक्स करके एक बता दूँ जिससे आप लोग अपनी जो है एटलीस्ट फ्रीलांसिंग या फाइवर पे अपना अकाउंट बनाकर आप लोग को ये आइडिया हो कि अच्छा हमने चलाना है इसको किस तरह, या हमने इसको रैंक किस तरह करना है, या जो चैलेंजेस हमें आ सकते हैं वो किस तरह आएंगे, हमने कम्युनिकेशन किस तरह करनी है, उन सारी चीज़ों को। लास्ट क्लास में हमने डिटेल में पढ़ा था अबाउट फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग होती क्या है, ऑलराइट। और अगर आप लोग को रिकॉर्डिंग मिल गई है तो अगर किसी ने नहीं वो सुनी तो रिकॉर्डिंग को सुन लें। मैं वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं फिर इकट्ठे ही शेयर कर देता हूँ। एक्चुअली मैं वो नहीं शेयर कर सका, बट आई विल शेयर द फर्स्ट लेक्चर डॉक्यूमेंट्स टुडे अलॉन्ग विद दिस लेक्चर्स डॉक्यूमेंट्स। उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर किसी का मिस हुआ। इसमें हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल में पढ़ा था कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग के लिए, फ्रीलांसिंग में कितने किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अलावा फ्रीलांसिंग में क्या बेनिफिट्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स उसके क्या हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि फाइवर किस तरह काम करता है, फाइवर पर जो है हम लोग किस तरह एज अ सेलर काम करते हैं और बायर का अप्रोच वहाँ पर किस तरह होती है। We also studied about the buyer's approach, how he searches any service on Fiverr. Fiverr का हमने working mechanism देखा कि Fiverr पर basically ऐसा working mechanism है जिस तरह दराज पे आप देखते हैं, वहाँ पर एक seller होता है, buyer होता है, seller ने अपना एक store बनाया होता है, buyer जाके products को search करता है और वो वहाँ से add to cart करके अपना product मंगवा लेता है। तो फाइवर भी आप समझ लें बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन बस उसमें प्रोडक्ट नहीं होता, उसमें सर्विस होता है। उसमें आप फॉर एग्जांपल ऐड टू कार्ट कर लेते हो कि मुझे एक लोगो बनवाना है, या मुझे एक आर्टिकल लिखवाना है, या मुझे एक डेटा एंट्री का प्रोजेक्ट करवाना है, तो उसका आप ऐड टू कार्ट कर लेते हो और बंदा अगले बंदा को आप डिटेल्स देकर वो आपको फिर वो सर्विस प्रोवाइड करता है। यानी हमें हम जो है वो सेलर्स होंगे, मैं बायर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। तो उसमें हम लोग ने ये भी देखा कि बायर्स किस तरह वहाँ पे सर्चिंग करते हैं, एक गिग यानी एक लिस्टिंग को हम गिग कहते हैं, गिग में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, उसके अलावा गिग का जो टाइटल हम बनाते हैं वो किस तरह बनाते हैं, वहाँ तक हम लोग ने देखा था। आज बेसिकली मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूँ कि जो फाइवर है, थोड़ा सा मैं रिवाइज भी कर देता हूँ कि हम लोग ने क्या लास्ट क्लास में फाइवर से रिलेटेड खासतौर पर पढ़ा। फाइवर पर हम लोग की जो गिग है उसमें बेसिकली हम लोग क्या क्या चीज़ें अपने जहन में रखेंगे, या जो हमारी लिस्टिंग है उसमें क्या क्या चीज़ें हम अपने जहन में रखेंगे कि हमारी गिग रैंक हो। फाइवर में एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी, मैं आपको ओपन भी कर लेता हूँ आप लोगों के सामने फाइवर। इसमें हम लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, ये एक एक मछली बाजार है, इसे याद रखना है। मछली बाजार में क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत से लोग बेच रहे होते हैं, आवाजें लगा रहे होते हैं, बट वहाँ पे कस्टमर फिर भी होता है। चाहे बाजार में जितना कंपटीशन हो, कस्टमर वहाँ पर होता है। इट्स जस्ट के आपने एक राइट स्ट्रेटजी के साथ, राइट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ अगर आप जाएंगे, राइट प्लानिंग के साथ आप जाएंगे, तो आप एक फिश मार्केट में भी कस्टमर पकड़ सकते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ यू नो रेफरिंग इट टू द फिश मार्केट। तो फाइवर पे भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। फाइवर पर हम लोगों ने देखा था कि बायर किस तरह सर्च करता है, यहाँ से सर्च बॉक्स से सर्च कर सकता है या यहाँ से कैटेगरी वाइज सर्च कर सकता है। तो यहाँ पर जब भी वो कुछ सर्च करता है, फॉर एग्जांपल वो सर्च कर रहा है जी फूड लोगो, ठीक है, फूड लोगो सर्च कर रहा है वो, तो उसने यहाँ पे फूड लोगो लिखा, तो या तो वो खुद से वो सर्च कर सकता है या उसको कुछ बनी बनाई टैग्स मिल सकते हैं जो कि फाइवर सजेस्ट कर रहा है। फाइवर कह रहा है कि फास्ट फूड लोगो आप सर्च कर लें, बिकॉज ये वो टैग्स होते हैं जो कस्टमर ज़्यादा वैसे ही दूसरे और कस्टमर भी सर्च कर रहे हैं। तो मैं इस तरह यहाँ से क्लिक करके सर्च करता हूँ, इस तरह यहाँ पर मुझे
ऑलरेडी सॉरी, टैब बंद हो गया। अच्छा मैं अगेन उसको दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल इफ आई सर्च फूड लोगो हेयर, तो फाइवर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप यहाँ से, उसने फास्ट फूड लोगो कह रहा है ये आप सर्च कर लें, लोग ये ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैं जूम इन बेसिकली करना चाह रहा था। यहाँ पर बेसिकली आपको सर्च होता है कि कितनी सर्विसेज अवेलेबल है, यानी यहाँ पर कितना सेलर्स अवेलेबल है। उसके अलावा आई टोल्ड यू अबाउट दीज यू नो कैटेगरीज इन डिटेल्स इन द लास्ट क्लास, अगर किसी को इसमें कन्फ्यूजन है तो वो लास्ट लेक्चर ले लें। और ये आपकी गिग का, यानी यहाँ पर हम लिस्टिंग को गिग कहते हैं, उसका प्रीव्यू है जिसमें आप लोग इमेज देख सकते हैं, टाइटल दिखता है, रिव्यूज दिखते हैं, प्राइसिंग दिखती है। इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज दिस प्राइसिंग फ्रॉम रुपीज टू USD, यू कैन चेंज इट फ्रॉम हेयर। यहाँ से PKR की जगह USD कर लें, ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज मैं आपको सारी चीज़ें USD के हवाले से ही बताऊँगा। तो यहाँ पर अब फास्ट फूड लोगों के जो है ना, उसे सर्विसेज नज़र आ रही हैं कस्टमर यहाँ से। अब उसको जो सबसे मेन चीज़ होती है यहाँ पर आपकी गिग की इमेज, डिज़ाइन के मामले में अगर आप डिज़ाइनिंग के, क्योंकि मेरा ताल्लुक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, तो आपकी जो गिग की इमेज है उसका अट्रैक्टिव होना डिज़ाइनिंग में बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, बायर ये देखता है कि क्या आपका जो टाइटल है उसमें वो बात की गई है जो आपके सैम्पल में नज़र आ रही है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने सर्च किया है फास्ट फूड लोगो और नीचे यहाँ पर लिखा हो कि आई विल डू फोटोग्राफी लोगो, तो क्या वो रिलेट करेंगे आपस में। इसी तरह मैं दराज की एग्जाम्पल देता हूँ कि दराज में फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह हो कि ऑलराइट यहाँ पर लिखा हो जी कि ये टीवी रिमोट, यहाँ पे हमें इमेज नज़र आ रही है और यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हो या टाइटल में लिखा हो ये टीवी रिमोट AC का है, ठीक है, तो मतलब आपकी चीज़ वो रिलेट नहीं कर रही। सो मेन चीज़, दो चीज़ें बायर नोट करता है कि अट्रैक्टिवनेस ऑफ योर सैम्पल, सेकेंड चीज़ ज़्यादातर डिज़ाइनिंग की सर्विसेज में अट्रैक्टिवनेस ऑफ सैम्पल मैटर्स अलॉट, बिकॉज वही तो उसको चाहिए। हाँ अगर कोई और सर्विस हो, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल राइटिंग की है, आर्टिकल राइटिंग की सर्विस है, तो उसमें भी आपकी फर्स्ट इमेज मैटर करती है कि आपने उसमें क्या लिखा है, उसको थोड़ा सा आप यानी अग्रेसिव बोल्ड टाइप बना सकते हैं। जिस तरह अक्सर इस तरह की सर्विसेज में लोग अपनी पिक्चर इस्तेमाल करते हैं, ओरिजिनल पिक्चर, उससे ये होता है कि लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा डिवेलप होता है कि उनको पता हो कि हमारा राइटर कौन है। सो इसमें फर्स्ट इमेज उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती जितना ज़्यादा डिज़ाइन में करती है, बट अगेन फर्स्ट इमेज का आपका ताल्लुक होता है आपके बायर के डिसीजन से। दूसरी चीज़ वो ये देखता है कि क्या वाकई ये जो टाइटल में कह रही हैं क्या ये उनकी फर्स्ट इमेज में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह बायर अपना यहाँ पे डिसीजन लेता। सो जब वो गिग ओपन करता है तो वो फिर ये सारी चीज़ें देखता है कि उनका टाइटल किस तरह का है, टाइटल में क्या वो बात कह रहे हैं, क्या वो इमेजेस में वो बेच रहे हैं, या टाइटल में जो उन्होंने बात कही है क्या वो अपनी प्राइसिंग में उनकी रिफ्लेक्ट हो रही है। क्योंकि आपकी ये जो गिग है जब आप ओपन करते हो, ये तो अभी सिर्फ आपको प्रीव्यू नज़र आता है बायर को, लेकिन जब वो इस तरह राइट क्लिक करके ओपन करता है तो वो कंप्लीट गिग देख सकता है। जिस तरह हम दराज पे कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो हमें ये छोटा सा प्रीव्यू बिल्कुल इसी तरह नज़र आ रहा है, लेकिन इसको जब हम ओपन करेंगे राइट क्लिक करके तो ये लिस्टिंग पूरी कंप्लीट ओपन हो जाती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जिसमें आप उसकी मल्टीपल इमेजेस देख सकते हैं, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, उसकी रेटिंग पढ़ सकते हैं, उसकी मजीद डिटेल इमेजेस देख सकते हैं, उसकी मजीद फीचर्स वगैरह को पढ़ सकते हैं, बायर जो सेलर है उसके बारे में डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। इस सारी डिटेल आपको यहाँ पे नहीं नज़र आ रही, लेकिन जब आप लिस्टिंग को ओपन करते हैं फिर नज़र आती है। इसी तरह जब आप यहाँ पे गिग को ओपन करते हो तो गिग को जब आप ओपन करते हो तो आपको ये सारी डिटेल नज़र आती है। आज बेसिकली मैंने आप लोगों को बताना था कि गिग के आपके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और हम हर एलिमेंट के लिए किस तरह की वर्किंग करेंगे, ठीक है, और क्या क्या हम लोगों ने अपनी चीज़ें माइंड में रखनी है, और इन एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करके देखेंगे कि बिफोर मेकिंग अ गिग सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है और इन एलिमेंट्स को हम लोगों ने किस तरह इस पर वर्किंग करनी है। तो जब भी आप लोगों ने सबसे पहले अपनी गिग बनानी है तो ऑब्वियसली आप लोगों ने एक चीज़ तो डिसाइड कर ली होगी कि आपने किस स्किल में काम करना है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने अपने यूज़र नेम चूज़ करना है, तो आई होप आप लोगों ने वो डिसीजन ले लिया होगा और ये भी डिसीजन ले लिया होगा कि आपने मेजर कौन सी स्किल में काम करना है, डिज़ाइनिंग की में काम करना है या आप राइटिंग में काम करना चाह रहे हो या आप आर्टिकल रिसर्च राइटिंग में काम करना चाह रहे हो। हमने काफ़ी मल्टीपल सर्विसेज भी देखी थी लास्ट क्लास में, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दी थी।
सो वंस यू हैव मेड दैट डिसीजन, तो उसके बाद आप एक डिसीजन लेते कि अच्छा ठीक है, मैं ग्राफिक डिजाइन के अंदर काम करना चाह रहा हूँ या मैं लोगो डिजाइन के अंदर काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं लोगो किस चीज का बेचूंगा, तो वो हमने डिसीजन लेना होता है, हमने वो एक कीवर्ड फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पर फाइवर पर फॉर एग्जाम्पल कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत वास्ट होते हैं और कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से, यानी वास्ट का मतलब है जनरल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मुझे खाना खाना है, अब खाने में तो कुछ भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को कहता हूँ जी खाना ला दो रेस्टोरेंट में जाके, तो वो तो मुझे कहेगा कि सर आप मुझे बताएं क्या खाना चाहते हैं आप, तो मैं उसे कहूँगा कि बारबेक्यू ला दो। अब फिर मुझसे पूछेगा बारबेक्यू में आप क्या खाना चाहते हैं, तो मैं उसे कहता हूँ कबाब ला दो, देन ही लास्ट में चिकन और मीट, यू नो स्पेसिफाई होता जा रहा है, नैरो डाउन होता जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ मुझे लोगो चाहिए, तो लोगो डिजाइनर मुझसे पूछेगा आपको किस किस्म का लोगो चाहिए, ये ना कुछ स्टाइल्स हैं लोगो के पॉपुलर, आप लोग इनके बारे में सर्च आउट भी कर सकते हैं यूट्यूब पर, मिनिमलिस्ट है, 3D है, मैस्कट है, मैस्कट कार्टूनिश लोगो होता है, मिनिमलिस्ट सिंपलिस्ट टाइप लोगो होता है, हैंड ड्रॉन हाथों से बना हुआ लोगो होता है, वाटर कलर में एक पेंट ब्रश वाटर कलर का स्टाइल होता है, डिफरेंट स्टाइल्स है। तो मैंने कस्टमर से मैं चाह रहा हूँ मुझे लोगो चाहिए, तो लोगो डिजाइन तो एक बहुत, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि जी मुझे ग्राफिक डिजाइन चाहिए, ग्राफिक डिजाइन के अंदर कहता हूँ जी मुझे लोगो चाहिए, फिर लोगो के अंदर मैं उस मजीद और स्पेसिफाई करूंगा कि मुझे कौन सा लोगो चाहिए, मुझे मिनिमलिस्ट लोगो चाहिए, तो मैं यहाँ से सर्च करता हूँ मिनिमलिस्ट लोगो, ठीक है। अब इससे भी आगे मैं और इसको स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि मुझे मिनिमलिस्ट लोगो चाहिए तो कौन सी इंडस्ट्री का चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मुझे मिनिमलिस्ट लोगो चाहिए फैशन इंडस्ट्री का, जिस तरह मैंने आपको वो बारबेक्यू कबाब और उसकी एग्जाम्पल ही दी, उसको अपने माइंड में रखें कि हम इसको मजीद नैरो डाउन करते जा रहे हैं, नैरो डाउन करते जा रहे हैं, क्योंकि ये देखेंगे सर्विसेज अवेलेबल बहुत ज्यादा है। हमने क्या, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि 5,000 से 1,000 के दरमियान, इसके दरमियान आप लोगों ने कहीं लाई डाउन करना है जो आपके कीवर्ड्स होंगे। सो इसको मैं मजीद शॉर्ट स्पेसिफाई करता जाऊंगा, मजीद मैं इसको शॉर्टन करता जाऊंगा, लेट्स सी इफ आई ऐड फैशन इंडस्ट्री हियर, यहाँ पर अब देखें 35,000 से तकरीबन 5,000 रुपये आ गया। तो क्या हुआ, मैंने अपने माइंड में पहले सोचा कि अच्छा मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग में लोगो डिजाइनिंग को सर्च किया, फिर लोगो डिजाइनिंग में मुझे स्टाइल मिनिमलिस्ट चाहिए, मिनिमलिस्ट के बाद मुझे फैशन से रिलेटेड मिनिमलिस्ट चाहिए, तो अब मेरी जो गिग, जो हमारा कीवर्ड है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। इसको हम कहते हैं नीश फाइंड करना, यानी आप लोगों ने डिसाइड करना है इस तरह कि आप लोग कौन सी नीश में काम करना चाह रहे हैं। नीश होता है जिस तरह, अगर आप लोगों ने, आप में से कोई बिजनेस स्टूडेंट है, तो नीश होता है एक स्पेसिफिक सर्विस। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में बहुत से लोग शवारमे बेच रहे हैं, बट एक नीश शवारमा कौन सा होगा, अगर कोई कहेगा कि मैं सीरियन शवारमा बेच रहा हूँ, तो वो एक नीश है क्योंकि वो इतना ज्यादा उसका कंपटीशन नहीं, और वो एक स्पेसिफिक किस्म का शवारमा बेच रहा है वहां पर। सो नीश होता है एक बहुत ही स्पेसिफिक किस्म की सर्विस। तो अब ये लोगो जो है इंतहाई स्पेसिफिक किस्म का हो गया, इसका हमने एक स्टाइल भी मुखसिस कर दिया और इसकी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री भी मुखसिस कर दी। अब जिसको भी फास्ट फूड लोगो चाहिए होगा वो ये सर्च नहीं करेगा फैशन मिनिमलिस्ट लोगो। तो नीश में ये होता है कि आपकी ऑडियंस थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, लेकिन उसमें ये भी आपको फायदा होता है, उसमें कॉम्पिटिशन आपका बहुत कम होता है, उसमें आपको बहुत से दूसरे सेलर्स का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो जिस तरह आप लोग देखते हैं बहुत सी इस तरह चीजें मशहूर हैं सिंपल सी, फॉर एग्जांपल फूड में, फूड की एग्जांपल ले ले कुछ, फॉर एग्जांपल मशहूर होंगे लाहौर में कुछ चीजें मशहूर है, मे बी वो चीज़ कहीं और भी बिकती हो, लेकिन उस जगह पे इसलिए मशहूर है क्योंकि वो उसको स्पेसिफिक तरीके से बनाकर बेचते हैं, तो एक स्पेसिफिक ऑडियंस को बेचते हैं। तो इसमें जब भी आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल सर्विस सोचना है ना, फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी ने सोचा जी मैं ग्राफिक डिजाइन के अंदर लोगों के अंदर काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप उसको नीश करेंगे, यानी उसको स्पेसिफाई करेंगे। आपने ऐसा नहीं करना कि जी सर हमारा मेन जो टैग होगा ना वो लोगो डिजाइन होगा, लोगो डिजाइन में 1,65,000 से ऊपर सर्विसेज हैं। अब 1,65,000 लोगों में जिनमें से पहले ही इतने सारे टॉप सेलर्स बैठे हुए हैं, तो एक एक सेंस नहीं बनता कि हम उस पर रैंक कर सकें, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको छोटा करते जाते हैं। अब आप लोग उसको छोटा इस बेसिस पे करते जाते हो कि आप फॉर एग्जाम्पल उसके साथ ना स्टाइल ऐड कर देते हो। मैं अभी इसके बारे में बताता भी हूँ, अभी जब हम डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो आपको आइडिया होगा कि कितने किस्म के कीवर्ड्स होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मिनिमलिस्टिक स्टाइल है लोगों का, इसी तरह लोगों के लिए छोड़ दें बात, हम लोग देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया एड्स।
सोशल मीडिया वीडियो एड्स फॉर एग्जाम्पल, ये एक सर्विस है, 39,000 इसमें सर्विसेज हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसको अगर मैं छोटा करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सोशल मीडिया की जगह, सोशल मीडिया में कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं, फेसबुक आता है, ट्विटर आता है, इंस्टा आता है, स्नैपचैट आता है, पिंट्रेस्ट आता है, बहुत सारे आते हैं। तो मैं यहाँ पे फेसबुक लिख के देखता हूँ, यानी सिर्फ सोशल मीडिया का मतलब है सारे प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक का मतलब है सिर्फ फेसबुक। अब इसमें सर्विसेज थोड़ी सी कम हुई है। अच्छा, मैं यहाँ पर, आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक पे स्टोरीज भी अपलोड होती हैं, लोग उस पर भी स्पॉन्सर्ड एड चलाते हैं, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फेसबुक, यानी मजीद मैं स्पेसिफाई करता जा रहा हूँ। अब देखें 29,000 से 2,000 पे आ गए। मैंने क्या सर्च किया कि जो फेसबुक पे स्टोरीज नहीं अपलोड होती, उस पर भी वीडियो एड्स अपलोड होते हैं, स्पॉन्सर्ड एड अपलोड होते हैं। तो मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसी सर्विस फराहम कर रहा हूँ जिसमें हम लोग एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, यानी सोशल मीडिया का एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, और उस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के अंदर एक स्पेसिफिक सर्विस को टारगेट कर रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है। और देखिए, अब एड, एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो पिक्चर फॉर्मेट में भी हो सकती है, वो वीडियो फॉर्मेट में भी हो सकती है, लेकिन हमने यहाँ सर्च किया है वीडियो एड। अगर देखिएगा मैं स्टोरीज एड अगर यहाँ पे लिखता हूँ ना, तो देखिएगा सर्विसेज शायद बढ़ जाए, ये देखिएगा। तो नीश का मतलब ये होता है कि आप चीजों को स्पेसिफाई कर रहे होते हो, आप चीजों को मजीद श्रिंक डाउन कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैंने आपको बताया खाना खाना है, खाने में क्या खाना है, बारबेक्यू है, बारबेक्यू में क्या खाना है, कबाब है, कबाब के अंदर क्या खाना है, चिकन है, बीफ है, फिर उसके आगे से मजीद स्टाइल होंगे, चिकन का कौन सा फ्लेवर है, कौन से स्टाइल में बनाया है। बताने का मकसद ये है कि आप उसको जितना ज्यादा श्रिंक करते जाओगे, आपका, आपकी सर्विस मजीद स्पेसिफिक होती चाहिए। जब आपको लग जाएगा कि आपकी 3,000 के अंदर या 5,000 के अंदर है, तो यू विल, यू विल बी लाइक के वी आर गुड टू गो, ठीक है, हम लोग इसके अंदर। अब मेरा मेन टैग ये हो जाएगा, यानी मैं इस टैग को मेन टारगेट करूंगा, जो मेरा मेन टैग होगा ना वो ये होगा। अब आइए देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग की जो गिग में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारा टाइटल होता है, ठीक है, जो कि बता रहा होता है कि हम इस गिग पे क्या बेच रहे हैं। उसके बाद हमारी प्राइसिंग होती है, प्राइसिंग में 3 पैकेजेस होते हैं, इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी इमेजेस होती हैं, राइट, जो हम इमेजेस अपलोड करते हैं, दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली आप खुद सोचें, अगर दराज पे किसी ने लिखा है मैं HDMI केबल बेच रहा हूँ और इसकी पिक्चर ही नहीं है, तो आप वो खरीदेंगे? कभी भी नहीं खरीदेंगे, ठीक है। या पार्क व्हील्स पर किसी ने गाड़ी अपलोड की हुई है, ठीक है, और गाड़ी उसने अपलोड की हुई है तो उसमें उसने मेंशन ही नहीं किया हुआ, गाड़ी की पिक्चर ही मेंशन नहीं की है, तो क्या आप उसको कांटेक्ट करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। तो पिक्चर का तो सबसे मेन रोल होता है। इसी तरह देखिये, सारी चीजों का मेन रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब ये बंदा बेच रहा है जी टोयोटा फॉर्च्यूनर, यहाँ पे वो मॉडल नंबर नहीं लिखता, तो मैं इसके एड को इतना सीरियस नहीं लूंगा, बिकॉज मुझे पता ही नहीं इसमें मॉडल नंबर क्या। तो सारी चीजों की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। इसी तरह प्राइस नहीं लिखता यहाँ पर वो कितने की बेच रहा है, तो मैं इस पर इसको सीरियस ना लेता। सो इसी तरह प्राइसिंग, आपका टाइटल हो गया, प्राइसिंग हो गया, आपकी इमेजेस हो गई। चौथा पार्ट आपका होता है आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन। अगेन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन आपकी बेसिकली जो है सर्विस को एक्सप्लेन करने में, और ये बेसिकली आपकी जो गिग है ना उसको रैंक करने में ये डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा हेल्प करती है। उसके बाद पांचवा पार्ट है इसमें आपका रिलेटेड टैग्स। आपके कुछ टैग्स यहाँ पर ऐड होते हैं जो कि आपकी गिग की रैंकिंग में आपको हेल्प करते हैं। तो ये पांच चीजें हैं, इन पांच चीजों को आप लोग किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने ये डिसीजन लेना है कि आपने किस स्किल में काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने से यहाँ ये आपकी मेजर स्किल्स हैं, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, पहले आप इनमें से डिसाइड करें आपने किस में जाना है। फिर उसके बाद इसके अंदर बेतहाशा आपकी सब स्किल्स हैं, फिर आप उसको आगे से डिसाइड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने डिसाइड किया जी हम ग्राफिक एंड डिजाइन में जा रहे हैं, तो मैं इससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट बस पहले का पड़ा हुआ, सेव टाइम एक मिनट। अच्छा, सो सबसे पहले आप लोगों ने प्रोसेस क्या होता है गिग बनाने का, एक गिग बनाने का प्रोसेस क्या होता है, कि सबसे पहले आप लोगों ने ये डिसाइड करना होता है कि आप क्या बेच रहे हो, यानी आपने क्या बेचना है। उस
फाइबर पर, ठीक है, फाइबर पर आपने क्या बेचना है, आपने डिसाइड किया जी हम ग्राफिक डिजाइन में ही अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे और ग्राफिक डिजाइन के अंदर हम लोगो डिजाइन के अंदर हम अपनी, पहले तो ये डिसीजन लेना है ना आपने कि आप ग्राफिक डिजाइन के अंदर लोगो डिजाइन के अंदर काम करना है, पर अब लोगो डिजाइन के अंदर आपने क्या बेचना है, ठीक है। लोगो डिजाइन के अंदर मैंने जी डिसाइड किया, मैंने सिग्नेचर स्टाइल में जी लोगो डिजाइन बेचना है, तो मैं यहाँ पर सर्च करूंगा सिग्नेचर लोगो। सिग्नेचर एक स्टाइल है लोगो का, इस तरह का सिग्नेचर से स्टाइल का लोगो बनता है। अब इसमें ज्यादा सर्विसेज हैं, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जी इसके साथ में इंडस्ट्री ऐड कर देता हूँ कोई, मैं कहता हूँ जी फैशन सिग्नेचर लोगो। फैशन सिग्नेचर लोगो अगर मैं सर्च करूँ तो इसमें सर्विसेज कम है, और इसको मेन टैग बनाने का फैसला आपने ऐसे नहीं कर लेना कि सिर्फ इसमें सर्विसेज कम है तो ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। आप लोगों ने ये देखना है कि आया यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल ये आपका मेन टैग है फैशन सिग्नेचर लोगो, यहाँ पर आपको जितनी भी सर्विसेज नजर आएंगी हर किसी ने ये कहीं ना कहीं अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे। ये देखिएगा फैशन सिग्नेचर लोगो, फैशन सिग्नेचर लोगो, चाहे अलग अलग तोड़ के किए हों लेकिन किए होंगे। तो आप उनकी जरा देखें, रिव्यूज हैं, बिल्कुल है, मुझे नजर आ रहे हैं रिव्यूज, नजर आ रहे हैं सबके यहाँ पर, अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं लोगों को। और तीसरा तरीका देखने का ये होता है कि यहाँ पर आप जब गिग ओपन करते हो तो यहाँ लिखा आता है ऑर्डर्स इन क्यू। ऑर्डर्स इन क्यू का मतलब ये होता है कि इसके पास अभी करंटली कितने क्लाइंट चल रहे हैं, कितने क्लाइंट क्यू में है, इसके पास नहीं है। तो इन तीन पैरामीटर्स पे आप करते हो। ऑर्डर्स इन क्यू इतना भी जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि अगर हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोगों ने ये जरूर चेक करना होता है कि आया ये जो पहले दो मैंने चीजें आपको बताई हैं कि आया ये जो वर्ड्स हैं क्या लोग अपने टाइटल में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ये देखिएगा फैशन सिग्नेचर लोगो, फैशन सिग्नेचर लोगो, फैशन सिग्नेचर लोगो, इसका टाइटल ही बहुत बड़ा है मेरे ख्याल से इसने यूज किया हुआ, हाँ फैशन सिग्नेचर लोगो। सो लोग मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि यूज करें। इसी तरह अगर मैंने इसका डिसीजन लेना था तो इसका भी मैं देखूंगा कि क्या वाकई लोग इसको इस इन वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ जी स्टोरी वीडियो एड्स लोग यूज कर रहे हैं, स्टोरी वीडियो एड्स, स्टोरी वीडियो एड का टैग यूज कर रहे हैं, यहाँ पर देखें वीडियो एड, फेसबुक, सारा कुछ यूज हो रहा है। तो इससे फिर मैं डिसीजन लूंगा कि हाँ मैं सर्विस में जा सकता हूँ बिकॉज लोग इस टैग को सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक थोड़ी सी रेवल्यूशन हुई है कि लोग स्टोरी एड, स्टोरी वीडियो एड का टैग ज्यादा यूज कर रहे हैं रादर के स्टोरीज वीडियो एड का, तो मैं फिर इसको थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ, ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि हम स्टोरी वीडियो एड यूज करें। इस तरह फिर आपकी ना एक वो हो जाती है मेन टैग में कि हम लोगों ने क्या वाकई डिसीजन सही भी लिया है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर डिसीजन ले लिया, मैं इस वाले को पिक करता हूँ कि हम लोग फैशन सिग्नेचर लोगो बेचेंगे, हमारा डिसीजन सही है। तो सबसे पहला टास्क आप ये करते हो कि आप डिसीजन लेते हो कि आपने ये चीज बेचनी है और ये आपकी बेसिकली मेन कीवर्ड होता है। उसके बाद सॉरी, उसके बाद आप बेसिकली इनको ना ब्रेक डाउन करते हो, यानी फॉर एग्जांपल यहां पर एक आपका कीवर्ड बन जाएगा जी फैशन, ठीक है, एक आपका कीवर्ड बन जाएगा सिर्फ सिग्नेचर, एक आपका कीवर्ड बन जाएगा सिर्फ लोगो, एक आपका कीवर्ड बन जाएगा फैशन सिग्नेचर लोगो, ठीक है, एक आपका कीवर्ड बन जाएगा सिर्फ सिग्नेचर लोगो, और एक आपका कीवर्ड बन जाएगा फैशन। ये मैं किस तरह बना रहा हूँ, ब्रेकडाउन किस तरह कर रहा हूँ, बेसिकली हमारा जो ये मेन कीवर्ड है इसको अगर हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए, इनको तोड़ें अगर, तो सिर्फ एक फैशन भी एक कीवर्ड है, सिग्नेचर भी एक अलग कीवर्ड है, लोगो भी एक अलग कीवर्ड है, फिर अगर मैं फैशन और सिग्नेचर मिला दूं तो ये कीवर्ड बन जाएगा, फिर मैं अगर फैशन और लोगो मिला दूं तो ये एक कीवर्ड बन जाएगा, उसके अलावा मैं सिग्नेचर और लोगो मिला दूं तो ये एक कीवर्ड बन जाएगा। तो इस तरह हम ये ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि क्या ये कीवर्ड्स सही भी हैं कि नहीं। फिर मैं इनको अलग से आके यहाँ पे सर्च आउट कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ओके फैशन लोगो क्या पॉपुलर कीवर्ड है भी कि नहीं, बिल्कुल पॉपुलर है, इसमें देखिए फैशन लोगो में हमें रिव्यूज, सर्विसेज भी अच्छी हैं इसमें कम हैं और इसमें रिव्यूज भी अच्छे आ रहे हैं और उससे और उसमें सजेस्टेड रिव्यू जो है ना टैग्स भी दिख रहे हैं हमें। उसके अलावा मैं इस तरह वन बाय वन आके यहाँ पे सर्च करूंगा, अगर फैशन सिग्नेचर सर्च करता हूँ तो लेट मी सी के क्या ये अच्छा कीवर्ड है, तो आप इस तरह वन बाय वन सर्च करेंगे। और आप एक ये भी काम कर सकते हो कि जो भी आप सर्चिंग कर रहे हो इसमें से ये कॉपी करके अपने पास यहाँ पर लिख लो आगे,
ताकि आप लोगों को पता हो कि हमारे हमने जो सर्चिंग की है उसमें अगर फॉर एग्जांपल कोई फैशन सिग्नेचर सिर्फ सर्च करता है तो उसमें हमें कंपटीशन का कम सामना करना पड़ेगा। अगर कोई फैशन लोगो सर्च करता है तो उसमें भी हमें कम सर्विसेज का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह आप लोग ये अपने सामने लिख सकते हैं, और जितनी कम आपके जितने ब्रेकडाउन जो टैग्स होंगे उसमें कम सर्विसेज वाले ज्यादा टैग होंगे तो दैट इज गुड, लेकिन कुछ आपके बड़े टैग्स भी होंगे जिस तरह सिर्फ लोगो जो टैग है वो बहुत बड़ा टैग है जिसमें आपकी सर्विसेज ही बहुत ज्यादा होंगे, 2,50,000 सर्विसेज है। सो इसमें आपने परेशान नहीं होना, लेकिन आपके कुछ ऐसे टैग्स भी बनेंगे जिसमें आपकी सर्विसेज कम होंगी, सो इट्स गुड टू गो। उसके अलावा आप रिलेटेड और सर्च टैग्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर फैशन लोगो सर्च कर रहे हैं तो क्या आपको टैग्स नजर आ रहे हैं, फैशन लोगो आप सर्च करें। बेसिकली हम ये डॉक्यूमेंट इसलिए बना रहे हैं कि हम लोगों ने अपना ना फाइवर का गिग टाइटल रखना है, हम लोगों ने अपना फाइवर का जो गिग बनानी है। सबसे पहले हमने डिसीजन लिया कि हमने बेचना क्या है, जब बेचना के डिसीजन ले लिया तो फिर उसके बाद हमने फाइवर को बनाना शुरू करना है, उसकी गिग को बनाना शुरू करना है। तो उसका सबसे पहला प्रोसेस होता है, हम लोग ने डिसाइड करना होता है कि आप लोगों की जो गिग है ठीक है उसका टाइटल क्या रखना है हमने, क्योंकि टाइटल आप ऐसे ही हवाओं में नहीं रख सकते, आपको डिसाइड करना होता है कि इसमें आपके कीवर्ड्स, आप देख रहे हैं इसके अंदर कीवर्ड्स काफी ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं, फैशन का कीवर्ड है, स्किन केयर का कीवर्ड है, ब्यूटी का है, कॉस्मेटिक्स का है, वाटर कलर का कीवर्ड है, ये बहुत ज्यादा कीवर्ड्स इसके अंदर है। ये कीवर्ड्स आपस में जब मिलते हैं तो डिफरेंट कीवर्ड कॉम्बिनेशन बनते हैं जो कस्टमर सर्च कर रहे होते हैं और फिर आपकी गिग सर्च आउट होती है। तो ये बड़े क्लेवर तरीके से लोगों ने इन कीवर्ड्स को जोड़ के इस्तेमाल किया होता है ताकि हमारी गिग सर्च आउट हो। तो मैं आप लोग को ये डॉक्यूमेंट इसलिए बनाने सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो कि आप लोग भी किस तरह ये क्लेवर तरीके से कीवर्ड्स को इकट्ठा करके एक टाइटल में जोड़ देंगे ताकि आपकी मैक्सिमम सर्चिंग हो ज्यादा से ज्यादा। ये रिलेटेड और सर्च टैग्स कीवर्ड्स ये हैं कि बेसिकली जब आप अपना मेन कीवर्ड जो है फैशन लोगो या सिग्नेचर लोगो सर्च करते हैं या फैशन सिग्नेचर लोगो सर्च करें तो क्या आता है, यहाँ से सर्च करें तो यहाँ पर आपको ये सजेस्टेड कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, आप इनको कॉपी कर लें अपने पास और यहाँ पर आप लोग इस तरह नोट डाउन कर लें। जैसे ये भी लोगो हैं, लग्जरी लोगो, स्ट्रीट वेयर लोगो, मोनोग्राम लोगो, ब्यूटी लोगो। ये सजेस्टेड क्या होते हैं, सजेस्टेड ये होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल फाइबर हम बायर को ये बता रहा होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि आपने फैशन लोगो सर्च किया है, अगर आपको फैशन लोगो में कुछ यहाँ नहीं मिल रहा तो उसके अलावा आप ये इससे रिलेटेड कीवर्ड हैं, जिस तरह स्ट्रीट वेयर एक कपड़े पहनने का तरीका है, क्लोथिंग लोगो उससे रिलेटेड है, ब्यूटी फैशन के से क्लोज है, अर्बन क्लोथिंग जो होती है, मतलब वो कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसे टैग्स हैं जो कि आप सर्च आउट कर सकते हो। तो हम लोग इन टैग्स को अपने पास इसलिए लिख लेंगे बिकॉज बायर हो सकता है इस टैग के अलावा इस टैग को भी सर्च करना शुरू करता है। तो हमने बेसिकली मेक श्योर ये करना होता है, हम इतनी टैग्स को इतने डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग हर मैक्सिमम कीवर्ड पे हमारी गिग की सर्चिंग हो सके, राइट? सॉरी। तो कुछ सजेस्टेड टैग्स ये हैं, कुछ ये हमने यहाँ पे लिखे हैं। रीजन क्या है, वी स्कैंड द सजेस्टेड टैग इन टाइटल ऑफ सेलर्स इन द फर्स्ट पेज, रीजन को डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर जब ये रिलेटेड और सजेस्टेड टैग्स यहाँ पर लिख लिए, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप तकरीबन जो हमारा मेन कीवर्ड है ठीक है, फॉर एग्जांपल फैशन सिग्नेचर लोगो है हमारा मेन कीवर्ड, फैशन सिग्नेचर लोगो हमारा मेन कीवर्ड है, इसको आप लोग जाके सर्च करते हो, इसको आप लोग फाइवर पर आकर सर्च करते हो और फिर इसके अंदर आप लोग को जो टॉप गिग्स लग रही हैं रेलिवेंट सेक्शन में ठीक है, फॉर एग्जांपल ये गिग है, ये है, जो टॉप रिव्यूज वाली गिग्स हैं आप उनको ओपन कर लें और उनके टाइटल्स को अपने पास कॉपी करना शुरू कर दें। ये वाला टाइटल आपने कॉपी कर लिया, ये वाला टाइटल आपने कॉपी कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, एंड सारे आपने टाइटल्स जो है तकरीबन 10 से 20 टाइटल्स आप कॉपी कर सकते हैं, 20 कर लें ज्यादा बेहतर है। अभी मैं आप लोग सामने कॉपी नहीं करूंगा, यहाँ पर ऑलरेडी कुछ कॉपीड है, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ हम कॉपी क्यों कर रहे हैं।
कॉपी हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम लोगों ने ये देखना है कि इन ये जो हम टाइटल्स कॉपी कर रहे हैं इसमें लोगों ने कौन से ऐसे टैग्स हैं जो ज्यादा लोगों ने यूज किए हुए। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बल्कि मैं चलें कॉपी कर लेता हूँ कुछ, क्योंकि ये पुराने कीवर्ड से रिलेटेड है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कॉपी करता हूँ टैग्स को, एक ये टाइटल हो चुका है, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ये टाइटल है, ये टाइटल है हमारे पास, इनको हम कॉपी करते जाते हैं, तीन हो गए तकरीबन। आप लोग ने 20 करने हैं, मैं यहाँ पे 10 कर रहा हूँ। यहाँ पर हम कितने हो गए हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तीन और कर लेते हैं हम यहाँ पे, टैग को ऐड कर लेते हैं, 8 हो गए तकरीबन। आप लोग 20 करें, मैं अभी क्योंकि इसको टाइम लगेगा इसलिए मैं आपको एग्जांपल के लिए, सैम्पलिंग के लिए तकरीबन बता रहा हूँ कि कुछ रिपीट भी हो रहे हैं मेरे पास यहाँ पर। मैं कुछ जरा अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिएगा कि कौन से टैग ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं। आई विल डू फैशन, स्किन केयर, ब्यूटी। अब ये देखिएगा फैशन और सिग्नेचर लोगों तो रिपीट होंगे ही होंगे बिकॉज जो जिससे आपने सर्च किया है यहाँ पर फैशन सिग्नेचर लोगों लिखा है, तो इसका मतलब किसी न किसी ने ये अपने टाइटल में यूज़ किया, तभी उनकी सर्चेबिलिटी में आ रहा है। तो ये तो दोनों होंगे, उसके अलावा देखते हैं स्किन केयर, ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, वॉटर। अच्छा यहाँ पर लग्जरी, फैशन, कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक रिपीट हो रहा है, कॉस्मेटिक रिपीट हो रहा है, लग्जरी रिपीट हो रहा है, कॉस्मेटिक अगेन रिपीट हो रहा है, फेमिनिन रिपीट हो रहा है देखिएगा, उसके बाद अगेन ब्यूटी नहीं रिपीट हुआ, नहीं हुआ, लग्जरी रिपीट हो रहा है दोबारा से, फेमिनिन रिपीट हो रहा है दोबारा से, क्लोथिंग नया कीवर्ड है अभी आया, लग्जरी अगेन रिपीट हो रहा है, लग्जरी, हैंड रिटन, फैशन, बुटीक, बुटीक भी नया, हैंड रिटन भी नया, लग्जरी अगेन रिपीट हो रहा है, ब्रांड लोगों नया है, कॉस्मेटिक अगेन रिपीट हो रहा है, ब्यूटी दो दफ़ा आया है, तीन दफ़ा आया बल्कि ब्यूटी, ब्यूटी और कॉस्मेटिक, लग्जरी, ये तीन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, कॉस्मेटिक्स अगेन दोबारा आया। तो यहाँ पर ये तो मेरा छोटा सा असेसमेंट थी, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा आगे कि रेपिटेटिव कीवर्ड्स कौन से हैं जी। लग्जरी तकरीबन मेरा हाल से 5 दफा यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक्स जो है वो तकरीबन यूज हुआ है 3 से 4 दफा, वो भी यूज हुआ है। आप अक्सर अपनी असेसमेंट यहाँ पर लिख लेते हैं कि रेपिटेटिव कीवर्ड्स कौन से यहाँ पर यूज हुए हैं। उसके बाद ब्यूटी का कीवर्ड तकरीबन 3 दफा यूज हुआ है, स्किन केयर का कीवर्ड तकरीबन 2 दफा यूज हुआ है, स्किन केयर का ये देखिएगा, स्किन केयर का तकरीबन रिपीट हो रहा है कीवर्ड, स्किन केयर का कीवर्ड 2 दफा यूज हुआ। उसके अलावा जो कीवर्ड शाउट आउट्स आप देख सकते हैं, दे सकते हैं, क्लोथिंग, बुटीक का कीवर्ड 1 दफा यूज हुआ है, वो यूनिक था। उसके अलावा हैंड रिटन का 1 दफा यूज हुआ है, 2 दफा यूज हुआ था। उसके अलावा ज्वेलरी का 1 दफा यूज हुआ है, ब्रांड का 1 दफा यूज हुआ है। तो ये कुछ रेलिवेंट है, ये यूज हुए हैं। अच्छा, जब आपने रेपिटेटिव कीवर्ड्स आप लोग ने ये अपने पास लिख लिए, तो आप लोगों ने जो एक काम किया था पहले, वो ये किया था कि यहाँ पर कुछ सजेस्टेड टैग्स यहाँ पर इकट्ठे किए थे। तो आप यहाँ से जरा इनको टैली करें कि क्या वाकई ये जो सजेस्टेड टैग्स हैं, इसके एक मिनट, सजेस्टेड टू टैग्स हैं, क्या उनसे ये रिलेट कर रहा है? तो मेरे जो यहाँ पर रेपिटेटिव टैग्स हैं उसमें लग्जरी तो रिपीट हो रहा है, रिलेट कर रहा है, ठीक है, लग्जरी रिलेट कर रहा है। उसके अलावा हैंड रिटन के टैग भी वहाँ भी यूज हुआ, वो भी रिलेट कर रहा है। उसके अलावा ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स का यूज हुआ तो वो भी रिलेट कर रहा है, और क्लोथिंग का यूज हुआ वो भी रिलेट कर रहा है। सो दैट मीन्स के यहाँ पर जो इन्होंने लोगों ने इतने टैग्स यूज किए हैं ब्यूटी का, तो मैं इनको देखते हुए फॉर एग्जाम्पल फैशन सिग्नेचर के साथ कुछ इन टैग्स को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्योंकि आप लोग सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आई विल डिजाइन फैशन सिग्नेचर लोगो,
आप लोगों ने उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स भी ऐड करने होते हैं जिससे उसकी बेसिकली रैंकिंग में इजाफा होता है। आप ये देखिएगा कि फॉर एग्जांपल अगर इस बंदे की मेन इसका ये है फैशन सिग्नेचर लोगो, लेकिन उसने उसके साथ कुछ दो की तीन कीवर्ड्स और ऐड किए हैं, लग्जरी का, क्लोथिंग का और फेमिनिन का। अब ये कीवर्ड्स आप किस तरह ऐड करेंगे, ये आप इस तरह रेपिटेटिव कीवर्ड्स देखते हुए ऐड करेंगे कि कितने रेपिटेटिव कीवर्ड्स हो रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे डॉक्यूमेंट में लग्जरी, कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, तो मैं अपना टाइटल यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आई विल डिजाइन, आई विल डिजाइन लग्जरी ब्यूटी स्किन केयर एंड फैशन सिग्नेचर लोगो डिजाइन, लोगो सिर्फ कर लें। तो अब हमारा ये एक दो तीन और ये मेन टैग हमारा हो गया, मतलब हमने तीन एक्स्ट्रा टैग इसके बेसिस पर ऐड किए, यानी रेपिटेटिव कीवर्ड जो हमारे यहाँ पे हो रहे और हमने उनको टैली किया अपने सजेस्टेड कीवर्ड के साथ कि हाँ वाकई लोग सही यूज कर रहे हैं। सो हम लोगों ने फिर उनको डिसाइड किया कि हम उसको अपने टाइटल में इस्तेमाल करेंगे। अब हमारा ये टाइटल बन गया, ठीक है, ये हमारा टाइटल बन गया। अब हमने डिसाइड किस तरह करना है कि हमने लग्जरी पहले लिखना है या ब्यूटी या स्किन केयर और फैशन सिग्नेचर लोगो एंड पे लिखना है, ये भी तो एक होती है ना डिसीजन। तो उसके लिए मैं आप लोग को कुछ बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ टैग्स क्या होते हैं, यानी ये जो आपको टैग नजर आ रहा है लग्जरी, ये किस टाइप में फॉल करता है, ये जो फैशन नजर आ रहा है ये किस टैग में फॉल करता है, टाइप में फॉल करता है। तो कुछ ना टैग्स की ये जो आपके यूज होते हैं या कीवर्ड्स आप इसको कह लें, टैग्स और कीवर्ड्स का मतलब एक ही है, इनकी एक टाइप, हर किसी की टाइप होती है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास चार किस्म के हैं, नंबर वन एडजेक्टिव आप कह लें, एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज की तारीफ करना, यानी सिफत, सिफत आप जो उर्दू में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को कहना कि तुम बहुत प्रोफेशनल हो, तुम बहुत यूनिक हो, अमेजिंग हो, मॉडर्न हो, क्लासी हो, एलिगेंट हो, वो एक तारीफ होती है, यानी मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत एलिगेंट ड्रेस है, ये बहुत क्लासी ड्रेस है, ये बहुत सिंपल ड्रेस है, ये बहुत यूनिक ड्रेस है, उसका मतलब ये बहुत लग्जरी ड्रेस है, हम उसकी सिफत यानी उसकी तारीफ बयान कर रहे हैं। तो ये जो टैग्स आपको इस तरह के नजर आएंगे ना, लग्जरी, मॉडर्न, सिंपल, क्लासी, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, एलिगेंट, ये वाले जितने भी टैग्स आपको फाइवर पे नजर आएंगे, इसका मतलब है ये टैग्स कौन सी टाइप में फॉल करते हैं, एडजेक्टिव में, नंबर वन चीज ये होगी। नंबर सेकंड टैग्स की जो आपको नजर आ रहे हैं वो इंडस्ट्री वाइज नजर आ रहे हैं कि आपको हम फैशन लोगो प्रोवाइड कर देते हैं, आपको हम रियल इस्टेट लोगो प्रोवाइड कर देते हैं, आपको फास्ट फूड लोगो प्रोवाइड कर देते हैं, आपको हम बुटीक लोगो प्रोवाइड कर देते हैं, ज्वेलरी लोगो प्रोवाइड कर देते हैं, कॉस्मेटिक, स्किन केयर, ठीक है, ये वाले लोगोज आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये आपकी इंडस्ट्री लोगो होते हैं, राइट, यानी इंडस्ट्री आपके टैग्स होते हैं, यानी जिस तरह फोटोग्राफी हो गया, कॉस्मेटिक्स, फैशन, रियल इस्टेट। फिर आपके टैग होते हैं जो आपकी मेन सर्विस जो आप बेच रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी यहाँ पर मेन सर्विस है फैशन सिग्नेचर लोगो, तो फॉर एग्जाम्पल सिग्नेचर लोगो या बिजनेस कार्ड या आपकी मेन सर्विस टैग होता है। फिर आपका कीवर्ड जो होता है वो सब सर्विस वाला होता है, फॉर एग्जाम्पल उसके साथ आप फैशन सिग्नेचर लोगों के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस तरह का बनाता हूँ, आई विल डिजाइन लग्जरी ब्यूटी स्किन 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 केयर एंड फैशन सिग्नेचर लोगो, उसके साथ में उसको कहता हूँ कि विथ बिजनेस कार्ड, यानी मैं उसके साथ बिजनेस कार्ड भी बेच रहा हूँ। तो ये बेसिकली मेन सर्विस हमारी ये है, लेकिन उसके साथ हम एक सब सर्विस भी दे रहे हैं जो कि बिजनेस कार्ड की है। सब सर्विस का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी रेस्टोरेंट के अगर एग्जाम्पल ले लें तो मेन बर्गर्स बेचते हैं, उसके अलावा बर्गर्स के साथ वो फ्राइज भी दे देते हैं या कोल्ड स्लॉ भी दे देते हैं, जो भी चीजें होती हैं। सो इस तरह बेसिकली आपके चार किस्म के टैग्स होते हैं, एडजेक्टिव, इंडस्ट्री, मेन सर्विस, सब सर्विस। अब इसमें कुछ शराइत हैं कि आपने टाइटल में कितने टैग्स यूज करने हैं। अभी ये वाले जो टाइटल है ना, इसमें बहुत सारे टैग्स का इस्तेमाल हो गया, तकरीबन आप 4 से 5 टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप फॉर एग्जाम्पल ये जो टाइप ऑफ टैग्स हैं, अब आप ये सोचेंगे कि 4 अगर या 5 हमने टैग यूज करने, तो कितने हम एडजेक्टिव के कर सकते हैं, कितने हम इंडस्ट्री के कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये है जी बना हुआ एक टाइटल है कि आई विल डिजाइन फोटोग्राफी एंड फैशन वाटरमार्क और सिग्नेचर लोगो। अच्छा, यहाँ पर हमारा मेन सर्विस ये है सिग्नेचर लोगो का, सब सर्विस ये है वाटरमार्क का,
फैशन और फोटोग्राफी हमारे हो गए यानी इंडस्ट्रीज हो गए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप दो या दो से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को यूज करना चाह रहे हैं तो फिर आपको दूसरे कुछ टैग्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी अभी ये वाला टाइटल बहुत बड़ा है, आई विल डिजाइन लग्जरी ब्यूटी स्किन केयर एंड फैशन सिग्नेचर लोगो विद बिजनेस कार्ड, यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मे बी मैं यहाँ पर स्किन केयर का टैग जो है सेक्रीफाइस कर लूँ, आई विल डिजाइन लग्जरी ब्यूटी एंड फैशन सिग्नेचर लोगो विद बिजनेस कार्ड, दिस इज मच मोर यू नो मेक सेंस। बहुत ज्यादा टैग हो जाते हैं तो हमारी रैंकिंग में मसला हो जाता है, फाइवर को भी समझ नहीं आता कि मैं किन टैग पर रैंक करें। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री या अब जिसमें देखें, अब इसमें हमारे पास तीन इंडस्ट्रीज हैं, ब्यूटी स्किन केयर एंड फैशन, तो फिर मुझे सब सर्विस को या तो हटाना पड़ेगा, ठीक है, कि उसके साथ में क्या बेच रहा हूँ, या मुझे एक इंडस्ट्री को हटाना पड़ेगा। तो आप लोग 4 से 5 टैग्स यूज करें, आई विल डिजाइन लग्जरी। इसी तरह अगर आपने स्टाइल का यूज करना है, फॉर एग्जांपल स्टाइल हो सकता है, लग्जरी हो सकता है, मॉडर्न हो सकता है, तो अगर आप इस तरह का टाइटल लिख रहे हैं कि आई विल डिजाइन लग्जरी, यहाँ पे मैं प्रोफेशनल भी ऐड कर दूँ तो मतलब बहुत बड़ा टैग हो जाएगा, आई विल डिजाइन लग्जरी प्रोफेशनल ब्यूटी स्किन केयर एंड फैशन सिग्नेचर लोगो विद बिजनेस कार्ड, इतना बड़ा टैग नहीं होता। तो यहाँ पर अगर मैंने लग्जरी और प्रोफेशनल ऐड कर दिया तो मे बी यहाँ से मुझे ये दो इंडस्ट्रीज उड़ानी पड़ा। तो इस तरह ये सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इस तरह आपको ये सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि अगर आपने दो स्टाइल्स यूज कर लिए हैं तो फिर आप इंडस्ट्रीज को ना इतना प्रेफर करें। मेरी कोशिश ये होती है कि आप हर किस्म का टैग यूज करें, आप एडजेक्टिव भी यूज करें, इंडस्ट्री के टैग अगर यूज करना है तो दो इंडस्ट्री के टैग यूज कर लें, सब सर्विस का भी टैग यूज करें और मेन सर्विस का। तो फॉर एग्जांपल जो हमारा पहला टैग बना था उसके साथ ही हम जाते हैं, मैं कंट्रोल जी से पीछे आता हूँ। हमारा पहला टाइटल बना था आई विल डिजाइन लग्जरी ब्यूटी एंड फैशन सिग्नेचर लोगो, ये हमारा बना था। और इसको फिर जब आपका टाइटल बन जाए तो फिर उसके बाद आपका ये टाइटल बन गया, आपका टाइटल बना बेस्ड ऑन सर्चिंग ऑन अदर सेलर्स कीवर्ड्स, रेपिटेटिव कीवर्ड्स, फिर उनको हमने हमारे सजेस्टेड कीवर्ड्स जो थे उनके साथ टैली किया, जो हमारे ब्रेकडाउन था उसके साथ मेन कीवर्ड को उसके साथ टैली किया, सब सही जा रहा था। फिर एंड पे हम लोगों ने क्या करना है, एंड पे जब हम लोगों ने टाइटल फाइनल कर लेना है अपना, जरा थोड़ी सी अलाइनमेंट ठीक कर लो, चलिए मैं बाद में कर लेता हूँ। अच्छा, एंड पर हम लोगों ने क्या किया, उसमें से रेपिटेटिव कीवर्ड्स निकाले एंड देन वी मेड अवर ओन टाइटल। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स को हम जरा थोड़ा ऊपर करके लिख लेते हैं, ये कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग, इसको हम लोग लिख लेते हैं इधर, ठीक है, कि हमने डिफरेंट 10 सेलर्स के हम लोगों ने कॉपी किए, फिर रेपिटेटिव कीवर्ड्स एंड देन अपना टाइटल, और आप लोगों ने फिर अपने टाइटल को यहाँ पर ब्रेक डाउन करना है। फाइनली अपने टाइटल को हमने क्यों ब्रेक डाउन करना है, कि हम लोग ने देखना है कि हमारा जो टाइटल बना है उसके अंदर से कितने कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमने लग्जरी वाटरमार्क और फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो या फैशन हमने सेलेक्ट किया था, सॉरी फैशन हम लोग ने सेलेक्ट किया था, ऐसा लग्जरी ये वाला टाइटल नहीं था हमारा, एक मिनट थोड़ी गलती लग रही है हमें, हमारा टाइटल ये था आई विल डिजाइन लग्जरी ब्यूटी स्किन केयर एंड फैशन सिग्नेचर लोगो। अब हम देखेंगे कि क्या इनके कॉम्बिनेशन बन रहे हैं मुख्तलिफ के नहीं, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ ये पहले वाले टैग के बने में। फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्बिनेशन बनेगा जी लग्जरी स्किन केयर लोगो, यह सिर्फ एक लग्जरी लोगो का बनेगा, ठीक है। एक टैग बन गया जी लग्जरी ब्यूटी लोगो, फिर एक टैग बन गया जी लग्जरी स्किन केयर लोगो, मैं इनको ना मिला ही जा रहा हूँ, लग्जरी स्किन केयर लोगो, लग्जरी ब्यूटी लोगो, लग्जरी सिग्नेचर लोगो, इस तरह लग्जरी से जितने भी बन रहे हैं, लग्जरी फैशन लोगो, फिर आपका आपका टैग बन जाएगा जी फैशन, बहुत सारे इसमें से टैग्स बन रहे हैं माशाल्लाह, इसमें से हम काफी ज्यादा टैग्स निकाल सकते हैं जो हमने टाइटल फाइनलाइज किया है। फैशन लग्जरी लोगो बन सकता है, नहीं वो बन चुका है, ये लग्जरी फैशन लोगो, फैशन ब्यूटी लोगो बन सकता है, फैशन स्किन केयर लोगो एक टैग बन सकता है, फैशन सिग्नेचर लोगो तो है ही मेन हमारा टैग, फिर उसके बाद हमारा बन सकता है जी ब्यूटी सिग्नेचर लोगो। ये सारे में ना ये कॉम्बिनेशन बनाई जा रहा हूँ,
इसका इसके साथ आपस में मिलाया, फिर इसका इसके साथ, फिर ब्यूटी सिग्नेचर लोगो एक बन सकता है, फिर ब्यूटी स्किन केयर लोगो बन सकता है। ये वो सारे टैग्स में क्यों ब्रेक डाउन कर रहा हूँ कि हमारा जितना ज्यादा बड़ा ब्रेक डाउन बनेगा दैट मीन्स कि हम उतना ज्यादा हमारे पास चांसेस है कि हमें इन सारे टैग्स में हमारी गिग सर्च आउट हो सकती है, क्योंकि कुछ कस्टमर ये सर्च करेंगे, कुछ कस्टमर ये सर्च करेंगे, कुछ कस्टमर ये सर्च करेंगे, कुछ ये कुछ ये। तो क्योंकि हमारे टाइटल में ये सारी चीजें मेंशन है, तो हम किसी भी टैग में दिख सकते हैं। यही तो हमारा मकसद था कि हम लोग पहले देखें कि ये हमने दूसरे सेलर्स को क्यों कॉपी किया है, इसलिए कॉपी किया है और उनके रेपिटेटिव कीवर्ड इसलिए निकालें ताकि हमें पता चले कि मार्केट में बिक क्या रहा है, मार्केट में कौन सा कीवर्ड बिक रहा है, किस तरह इनको रिव्यू आ रहे हैं। दैट मीन्स इन्होंने भी सारी ये सर्च की कि पहले कस्टमर कौन से सर्च कर रहा है, फिर उन्होंने उसको इस्तेमाल किया और उनको फिर रिव्यूज आना शुरू हुआ, तो हमने उन्हीं को सर्च आउट किया और फिर अब ये ब्रेक डाउन हम कर रहे हैं। इसकी वजह ये कि अब हम इनको सर्च करेंगे कि हर ब्रेक डाउन में फॉर एग्जाम्पल हमें कितना यानी हमें कॉम्पिटिशन मिल रहा है, कितनी सर्विसेज है। फॉर एग्जाम्पल इस टैग के अंदर 10,000 सर्विसेज है, ये आप लिखते जाएंगे अपने पास। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके ब्रेक डाउन में जो जितने भी टैग्स बन रहे हैं उसमें सर्विसेज कम हो ताकि आपकी सर्चेबिलिटी के चांसेस ज्यादा हो। देखें ये बेहतरीन है, लग्जरी ब्यूटी ब्यूटी लोगों में 2400 सर्विसेज हैं सिर्फ, आप यहाँ पर अपनी आसानी के लिए लिखते जाएंगे। लग्जरी स्किन केयर लोगों में कितनी है, सारे नहीं सर्च करूंगा मैं, आप लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। और आप देखिए ये लेजिट कीवर्ड्स हैं, इसमें 2400 सर्विसेज हैं लग्जरी से। अच्छा इसमें काफी कम सर्विसेज हैं, तो ये आप इसको आप यहाँ पर लिख लें और इसमें देख लें कि बाकी लोग बेच रहे हैं इसमें, लेकिन इतना कम इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है इसमें, तो इस टैग में अगर तो हम आसानी से हो सकते हैं फीचर। लग्जरी फैशन में देखते हैं क्या चल रहा है, इस तरह आप सारों में चेक करेंगे, 4,000 है कोई मसला नहीं है, अच्छी अमाउंट है, इसमें आप फीचर कर सकते हैं। तो मतलब मैंने ये नोटिस किया है, अगर मैं और भी थोड़े सर्च करूंगा तो मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे जितने भी कीवर्ड कॉम्बिनेशन है उसमें सर्विसेज 4,000 3,000 से कम ही है, कोई एक ही एक दो ही टैग है जिसमें 10,000 तक जा रही है। तो अगर आपके जो ब्रेक डाउन है फॉर एग्जाम्पल आपके ब्रेक डाउन से 10 कीवर्ड्स निकले हैं कॉम्बिनेशन, उसमें से अगर 7 या 6 या 8 अगर आपके उसमें सर्विसेज कम है ना, तो दैट मीन्स यू कैन गो विद द विद दिस टाइटल। लेकिन अगर आपके जो कीवर्ड कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उसमें सब में सर्विसेज 10,000 20,000 से ऊपर हैं मोस्टली टैग्स में, तो दैट मींस कि आपका ये कीवर्ड कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बना, आप बड़े टैग्स में रिलाई कर रहे हैं और उसमें आपका रैंक, अब देखें 10,000 में आपका रैंक करना बहुत मुश्किल है रादर के 2,000 में या 118 में, समझ रहे हैं आप लोग बात को। तो ये चीज जो मैं आप लोग को बताई ना ब्रेक डाउन की, मैं आपको इसकी लाइव एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक गिग है, इसका टाइटल में आप कीवर्ड जरा देखें, लग्जरी फैशन ब्यूटी और बुटीक लोगो। अब मैं जरा सर्च करता हूँ कहीं पर लग्जरी बुटीक लोगो, यहाँ पर सर्च करता हूँ तो देखते हैं इसकी गिग हमें दिखती है कि नहीं। बुटीक की स्पेलिंग ये देखें, इसकी गिग मुझे यहाँ पर इस टैग पे टॉप पे दिख रही है क्योंकि इसकी गिग से कॉम्बिनेशन बन रहा है लग्जरी बुटीक लोगो का। अब मैं सर्च करता हूँ लग्जरी ब्यूटी लोगो, अब ये गिग इस टैग पे थोड़ी सी ऊपर नहीं नजर आ रही हम देख, क्योंकि इसमें मेरे से कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा है। यस मे बी इस टैग पे गिग शायद पहले पेज पर है, ये रही थोड़ी सी नीचे हो गई, लेकिन इस टैग पे ये रैंक कर रही है। उसके बाद इसका कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है जी, लग्जरी फैशन लोगो, इसमें थोड़ा सा शायद स्ट्रगल करें क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टैग हो जाएगा यहाँ पर, मे बी ये थोड़ा यहाँ पर भी अच्छी जगह पे रैंक हो रही है। देखें लग्जरी फैशन लोगों पे भी रैंक हो रही है, लग्जरी ब्यूटी लोगों पे भी रैंक हो रही है, लग्जरी बुटीक लोगों पे भी रैंक हो रही है। अब फैशन बुटीक लोगों सर्च करता हूँ, समझ में लगी बात को कि क्यों मैं आपको ब्रेक डाउन करवा रहा हूँ। ब्रेक डाउन का मतलब है कि कस्टमर इनमें से कुछ भी सर्च अगर करेगा तो आप उसमें रैंक हो सकते हैं। ये देखें फैशन बुटीक लोगों में भी यहाँ पे आ रही है, उसके अलावा ब्यूटी बुटीक लोगों हम सर्च कर लेते हैं। मैं आप लोग को रियल लाइफ एग्जाम्पल इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग को पता लगे कि वी जो हमने अभी सारी एक्सरसाइज की है इसका ये बेमायने नहीं है, ये जो मैंने सारा डॉक्यूमेंट बनाया है ये बेमायने नहीं है। देखिए इस पे भी आपको ये सर्च हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल जब आपको ये जो ब्रेकडाउन आपने बनाया है इसमें जब आप क्लाइंट आपको इन टैग्स पे किसी पे भी सर्च करेगा तो उस पे आपकी गिग सर्च हो सकती है ज्यादा से ज्यादा टैग्स पर।
दैट मीन्स ज्यादा से ज्यादा टैग्स पर आपकी गिग सर्च हो सकती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हैं. ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को रीच आउट करेंगे तो क्या मतलब है, आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स मिल सकते हैं. तो आपने जो अपना सिर्फ एक टाइटल रखना है ना, उसके लिए आपने पूरी एक्सरसाइज करनी होती है. ये मैंने आपको इसलिए बड़ी डिटेल में सारा बताया. सबसे पहले आपने डिसीजन लेना होता है आपने क्या बेचना है, फिर उसका आपने मेन टैग फाइनलाइज करना होता है, मेन टैग का ब्रेकडाउन करना होता है, उसकी सर्विसेज देखनी होती हैं कि ठीक है बारे में है, फिर मेन टैग को सर्च करके उनके रिलेटेड टैग्स को आप लोग ने अपने पास कॉपी कर लेना होता है. फिर ये टाइप ऑफ टैग्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप 10 या 20 सेलर्स को कॉपी करेंगे, उसके अंदर से रेपिटेटिव कीवर्ड्स निकालेंगे, उस रेपिटेटिव कीवर्ड की बेसिस पर आप लोग जो है अपना कीवर्ड टाइटल बनाएंगे, और अपना टाइटल बनाने के बाद उसका ब्रेकडाउन करेंगे, एंड जो ब्रेकडाउन में कीवर्ड्स निकलेंगे उनकी आप सर्विसेज अवेलेबल आगे ले चेक करेंगे कि सबकी 5,000 6,000 या 3,000 से कम है, दैट वुड बी गुड इनफ. एंड अगर ज्यादा है उससे तो फिर आप इस कीवर्ड टाइटल को आपको रद्द करना पड़ेगा और दोबारा से वर्किंग शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड जितने बड़े बड़े हैं जिसमें फॉर एग्जांपल 20,000 25,000 सर्विसेज अवेलेबल है, तो वहां पर आपका रैंक करना मुश्किल होगा. तो दैट इज वाई हम लोगों ने सारी मेहनत की है कीवर्ड लिखने की. अगर आप चाहते तो आप वैसे ही कोई किसी कुछ लोग ना पता क्या करते हैं, लोग कहते हैं जी हमने आधा इसका टाइटल कॉपी किया, आधा इसका टाइटल कॉपी किया, हमने लिख लिया, वो कहते हैं सर हमें ऑर्डर नहीं आते, हम तो गिग बनाते हैं. देखिए सिर्फ गिग बनाना मकसद नहीं है, आपने दुकान खोल ली, दुकान को सजाया नहीं आपने, दुकान का बोर्ड नहीं लगाया आपने, काउंटर को साफ नहीं रखा, तो कोई कस्टमर नहीं, फिर आप ये तो नहीं कहोगे ना कस्टमर क्यों नहीं आता. कस्टमर इसलिए नहीं आता बिकॉज आपने वर्किंग ही नहीं की, कोई मार्केट को स्टडी नहीं किया. जब भी आप किसी मार्केट को स्टडी करके उतरेंगे तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा. सो ये आपका टाइटल से रिलेटेड है. हमारा सेकंड जो गिग का एस्पेक्ट है वो है आपकी प्राइसिंग. प्राइसिंग से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उससे रिलेटेड भी मैंने डॉक्यूमेंट एक प्रिपेयर किया हुआ है. अच्छा, प्राइसिंग बेसिकली जो हम फाइवर पे करते हैं उसकी बेसिकली एक पूरी साइकोलॉजी होती है हमारे पास. यहाँ पे तीन, सबसे पहले आप देख लें यहाँ पर हमारे पास तीन बेसिकली पैकेजेस होते हैं, बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज और प्रीमियम पैकेज. बेसिक पैक आपका सबसे बेसिक पैक होता है, जिस तरह आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगेन मैं एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल दे रहा हूँ बिकॉज इट्स रिलेटेबल. आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको वहाँ पर बेसिकली डील्स मिलती हैं. एक आपको सिंपल डील मिलेगी जिसमें आपको फ्राइज ड्रिंक मिल रही होगी, एक आपको मीडियम डील मिलेगी जिसमें आपको एक बर्गर फ्राइज और मील ड्रिंक मिल रही होगी, वो वाली मील होगी. फिर एक आपकी फैमिली मील होगी जिसमें आपको 4 से 5 बर्गर्स मिल रहे हैं, साथ फ्राइज चिकन वगैरह सारी चीज़ें मिल रही हैं एंड वो आप लेते हैं. तो इसी तरह ये एग्जाम्पल भी है, यहाँ पर आप बेसिक में सबसे कम चीजें देते हैं, स्टैंडर्ड में फिर दरमियानी और प्रीमियम में उससे ज्यादा. अब इसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है, एक एक आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि आपने प्राइसिंग किस तरह करनी है. आप ऐसे ही मतलब ऐसे ही अपनी मर्जी से नहीं आप कर सकते, इसमें कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं जिन स्ट्रेटेजीज को हम फॉलो करेंगे. सो यहाँ पर हमारे पास बेसिक पैक है, स्टैंडर्ड पैक है और प्रीमियम पैक है. इसकी पहले साइकोलॉजी को पढ़ लेते हैं, इसकी स्ट्रेटेजीज को पढ़ लेते हैं, इसकी स्ट्रेटेजीज पे हम किस तरह काम करेंगे. सबसे पहले आता है आपका बेसिक पैक. बेसिक पैक फॉर एग्जांपल हम लोगों के हवाले से ही पढ़ रहे हैं तो उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा. जो स्टार्ट होता है $5 से, जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि फाइवर एक ऐसी एप्लीकेशन है या वेबसाइट है जिसका नाम ही फाइवर है, यानी फाइवर का मतलब है मिनिमम $5 से शुरू होता है. तो ये आपका सबसे चीप या स्टार्टर पैक होता है. इसमें आपकी दो किस्म की स्ट्रेटेजीज होती हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि हम इसमें सबसे लीस्ट सर्विसेज ऑफर करते हैं इस पैकेज में. इस तरह आप फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो उसमें अगर आप अलग से फ्राइज या ड्रिंक लें तो आपको महंगे पड़ते हैं, अगर आप डील में लें तो आपको ज्यादा चीज भी मिल जाती है और सस्ते में पड़ती है. ठीक है, तो वो इसलिए आपको मोटिवेट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल वो आपको कहेंगे 300 में आपको सिर्फ फ्राइज और ड्रिंक मिलेंगे, लेकिन अगर आप ₹200 और डालेंगे तो आपको एक बर्गर भी साथ मिल जाएगा, तो आप कहते हैं तो ये तो बड़ा सस्ता है. वो आपकी सिर्फ साइकोलॉजी से खेल रहे होते हैं. आपकी स्टार्टर पैक में उन्होंने प्राइस हाई रखी, मतलब ऐसी रखी होती है उसमें सर्विसेज ही नहीं दे रहे कुछ, यानी ₹300 में कुछ दे ही नहीं रहे और ₹500 में बर्गर भी साथ दे रहे हैं, तो हमारे माइंड में आ जाता है कि ये तो सस्ता है, ये तो हमें बाय करना चाहिए. तो वो एक आपके अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट करता है. तो हमने भी क्लाइंट के अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है कि जो ये वाला पैकेज है, यानी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो पैकेज है इसमें हम कुछ भी ऑफर नहीं कर रहे हैं, ये आपको महंगा भी पड़ेगा, मतलब $5 आपके जाए ही होंगे. इसमें हम सिर्फ एक सिंपल सा लोगो प्रोवाइड करेंगे और दैट्स इट, आपको इसमें और हम कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. तो ये लॉन्ग टर्म, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ क्योंकि फ्रीलांसर्स को काम नहीं आ रहा होता
और न्यू सेलर्स होते हैं, हमने क्लाइंट बेसिकली फाइवर का ही होता है कि फाइवर पर आप लोगों ने शुरू के जो ऑर्डर्स होते हैं ना वो थोड़े से मुश्किल होते हैं लेना, बिकॉज आपकी प्रोफाइल पर कोई रिव्यू नहीं पड़ा होता और आपको अपनी प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए या आपको थोड़े से बायर्स को दूसरे बायर्स को ट्रैक करने के लिए कुछ एक दो तीन रिव्यूज चाहिए होते हैं धक्का लगाने के लिए गाड़ी को। सो शुरू में मैं ये कहता हूँ कि अच्छा ठीक है, वो रिव्यूज लेने के लिए आप लोग मे बी ये वाली स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म इन द स्टार्ट एज न्यू सेलर्स, यू कैन मेक ऑल्सो मेक दिस पैकेज मोर अट्रैक्टिव फॉर चीप बायर्स, क्योंकि फाइवर पर आपने देखा है कुछ फाइवर एक थोड़ा सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग चीप काम ढूंढते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क, पीपल पर आवर, फ्रीलांसर। फाइवर एक थोड़ा सा चीप प्लेटफॉर्म है। सो यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट टर्म एक स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो जिसमें आप कह सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक सेल प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम $5 में आपको लोगो, यानी एक लोगों ने दो लोगों प्रोवाइड कर रहा, मतलब आपने कुछ आपने देखा ना कुछ कंपनीज कुछ रेस्टोरेंट्स इस तरह की ऑफर्स निकालती हैं अपने अपनी मशहूरी बढ़ाने के लिए कि वो अपनी सबसे सस्ती मतलब एक अपनी सबसे सस्ती डील निकालती है और उसमें ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। तो हम भी कहते हैं कि यार ये किस तरह ये प्रोवाइड कर रहे हैं इतनी ज्यादा सर्विसेज इतने कम पैसों में, और वो तकरीबन एक महीना दो महीने इस तरह प्रोवाइड करते हैं लोगों को, वो अवेल करते हैं। जिस तरह मैं आप लोगों को फूड पांडा की एग्जाम्पल लूँ, जब फूड पांडा सियालकोट में नया नया आया या लाहौर में अभी तक ऐसा है, बहुत सी जो नए कैफेज खुलते हैं वो फूड पांडा पर 70% डिस्काउंट दे रहे होते हैं और आप सोच रहे होते हैं भाई 70% डिस्काउंट इनको क्या बच रहा है, उनको ये बच रहा होता है कि उनको क्लाइंट मिल रहा होता है, वो अपनी क्लाइंटेल बना रहे होते हैं, वो अपनी कस्टमर्स को बना रहे होते हैं जिन्होंने मे बी दो महीने बाद उस 70% को ऑफ करके अपना नॉर्मल प्राइसेस रखे हैं, लेकिन क्लाइंट को खरीदना पड़ना है उससे बिकॉज उसका टेस्ट अच्छा था, राइट। सो इसी तरह हम लोग एक स्ट्रेटेजी में ये भी बना सकते हैं कि हम लोग इस पैकेज को फॉर एग्जाम्पल इन द स्टार्ट हम अट्रैक्टिव बना लें ताकि हमें कुछ रिव्यूज आ जाए, जब हमें कुछ रिव्यूज आ जाए 3 से 4 फिर हम इस स्ट्रेटेजी पे चले जाएं कि हम इस पैकेज को लीस्ट अट्रैक्टिव बनाएं और हम अपने जो प्रीमियम और आगे वाले जो पैक हैं उनको हम अट्रैक्टिव बनाएं। स्टार्टिंग प्राइस इसकी $5 से शुरू होती है एज अ सेलर, यानी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में हम लोग को ये होना चाहिए कि कोई भी इस पर डिपेंडेंट ना हो। और देखिए कोई भी कंपनी अगर कोई बड़ा चीप प्रोडक्ट उसने ऑफर किया है तो उसका ये तो नहीं मकसद होगा कि सारी जिंदगी उसने वही प्रोडक्ट जो है बेचता जाना, बिकॉज वो तो उसने अपनी एक प्रमोशन के तौर पे निकाला था। कोई आप लोग ने ऐसा देखा है कि कभी सेल जो है वो पूरा साल लगी हो किसी चीज़ पे, ऐसा नहीं होता, कुछ दिनों के लिए लगती है। वो कुछ दिनों के लिए इसलिए लगती है क्योंकि कस्टमर्स के अंदर उन्होंने एक अर्जेंसी पैदा करनी होती है कि जी हम ये चीज़ इतना सस्ता बेच रहे हैं, इस तरह ब्लैक फ्राइडेज आता है। तो लॉन्ग टर्म में आप लोग ऐसे नहीं कर सकते कि आप इस पैकेज को ही बेचते जाएं और आपको रिव्यूज आते जा रहे हैं, तो लोगों को आपकी एज ए ब्रांड ये आदत हो जाएगी कि यहाँ से तो सस्ता काम मिल जाता है, यहाँ से तो $5 में एक अच्छा लोगो बन जाता है। सो अगर कोई ऐसा ब्रांड है जो मतलब सस्ती चीज़ें बेची जा रहे हैं अपनी सेलें लगाता जाता है, तो आपको भी एज अ कस्टमर पता नहीं लग जाता कि यार जब फॉर एग्जाम्पल किसी ब्रांड की सेल खत्म हुई है तो आपको पता होता है कि 20 दिनों बाद इनकी दोबारा एक सेल आ जाएगी तो हम अभी क्यों खरीद रहे हैं, हम 20 दिनों और वेट कर लेते हैं। एक आपको ब्रांड के इमेज बन जाती है आपको, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनकी साल में एक दफ़ा सेल लगती है तो लोग फिर मतलब इतना वेट नहीं होता तो वो फिर नॉर्मल प्राइसेस पे भी उनको खरीदना पड़ता है। तो ये प्राइस साइकोलॉजी और प्राइसिंग्स होती हैं। तो इस पैकेज को हमने इस तरह डील करना है। स्टैंडर्ड पैकेज है उसके बाद जिसमें आपकी अफोर्ड मतलब ये ऐसा पैकेज है जो कि हम लोगों ने कोशिश करना होता है कि एक चीप बंदा भी ले ले और एक लग्जरी बंदा भी इस पर अगर कम पैसे थोड़ा मतलब वो भी इसकी तरफ आ सकता है। मतलब ये हमने इस तरह का बनाया कि हम लोग कोशिश ये करते हैं इसको इस तरह का बनाया कि हम लोग इसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट इंक्रीज नहीं करते। जिस तरह मैंने आपको बर्गर वाली एग्जांपल दी थी कि 300 रुपये आपको मतलब सम रेस्टोरेंट वुड बी ऑफरिंग यू अ फ्राइज एंड अ ड्रिंक बट दे विल बी सेइंग कि इफ़ यू विल टॉप अप 200 मोर विल ऑफर यू अ कम्प्लीट बीफ बर्गर एज वेल। तो उसमें फिर आप लोग को ये होता है कि यार ये तो बहुत थोड़ी सी अमाउंट इंक्रीज पे इतनी मुझे सर्विस दे रहे हैं तो लेट्स स्पेंड 500 रुपीज़। बेसिकली उन रेस्टोरेंट ने कस्टमर की जेब से 500 रुपये निकलवाने थे, वो एक 300 रुपये में फ्राइज और चिप्स उसको भी पता है किसी ने नहीं लेना, रेस्टोरेंट को भी पता है किसी ने नहीं लेना, वो सिर्फ एक साइकोलॉजी है एक मेंटल ब्लॉक है जो लोगों का वो बनता है ना। आप लोगों ने इस तरह प्राइसिंग में अक्सर देखा होगा 99 रुपीज का वो साइकोलॉजी वो करते थे लोग
99 रुपीज़ लिख दो तो लोगों को सस्ता लगता लगता 100 लिख दो तो लोगों को महंगा लगता, ठीक है ना? तो ये भी एक चीज़ बड़ी मैटर करती है। अच्छा, ये पैकेज अफोर्डेबल और अट्रैक्टिव बनाते हैं हम के लोग इसकी बजाय इसको खरीदें, बिकॉज मैं चाहूँगा मुझसे $5 की बजाय मुझसे $20 वाली अर्निंग हो मेरी, राइट? बजाय मुझे फॉर एग्जाम्पल $5 वाले 10 प्रोडक्ट्स आ जाए, मुझे $20 वाले 3 आ जाए, मेरा काम चल जाएगा, ठीक है? सो क्योंकि ये भी चीज़ होती है ना कि आपके जितने कम बायर्स हों, यानी अमाउंट ज़्यादा हो और बायर्स कम हो, दैट इज़ द ड्रीम सिनेरियो। बिकॉज बायर्स जितने ज़्यादा होते हैं, हर बायर का अपना मूड होता है, हर बायर के अपने कंप्लेंट्स होते हैं, अपना रीजन होता है, अपनी शिकायतें होती हैं, अपने नखरे होते हैं। सो एज अ फ्रीलांसर फिर आप तंग आ जाते हो उससे। इस पैकेज में वी ऑफर अ गुड अमाउंट ऑफ सर्विस इन एन अफोर्डेबल प्राइस, यानी इसकी प्राइसिंग क्या हो सकती है, $10, $15, $20, $25, डिपेंडिंग ऑन द सर्विस यू सेल। ये लोगों से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग आर्टिकल राइटिंग करते हो तो मे बी डिफरेंट हो। आप इसमें भी जिस तरह हमने टाइटल में डिफरेंट सेलर्स को हम लोगों ने कॉपी किया था, इसमें भी आप लोग डिफरेंट लोगों की प्राइसिंग कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ फॉलो की हुई है, क्या चीज़ नहीं। We try to convince the customer that we are selling so many services in an affordable price. Exactly. मतलब हम लोग ये जो है ना कस्टमर को बता रहे होते हैं कि आपको थोड़े से और पैसे डालने, आप मतलब आप सिर्फ $15 और डालेंगे तो आपको 70% एक्स्ट्रा सर्विसेज मिल जाएंगे। यानी आप $5 से फॉर एग्जाम्पल आप $15 $10 और डालोगे तो आपको फॉर एग्जाम्पल लोगों के साथ मैं बिजनेस कार्ड भी प्रोवाइड कर दूंगा, मैं लोगों के साथ आपको टी शर्ट डिज़ाइन भी प्रोवाइड कर दूंगा, उसके अलावा फ्लेक्स डिज़ाइन भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो कस्टमर कहेगा कि यार ये तो सिर्फ थोड़े से पैसों में जितना कुछ ऑफर कर रहा है। इस तरह मैंने अगेन आपको रेस्टोरेंट की इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिकॉज इट्स रिलेटेबल। इसी तरह गारमेंट्स में देख लें, फॉर एग्जाम्पल कोई एक गारमेंट है सिंगल पीस, वो 1000 रुपये का, लेकिन वो बंदा कहता है जी आप 600 रुपये और डालेंगे, मैं आपको 3 पीस इस तरह के ऐड करके 3 पीसेज आपको 1600 में दे देता हूँ। तो आप कहते हैं ये तो सस्ता है, क्योंकि हमारे वो माइंड में उन्होंने क्रिएट कर दिया होता है कि 1000 रुपये में सिर्फ आप 600 मिलेंगे तो आपको ये चीज़ें 3 चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लोगो एक दे रहे हैं तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी हम 3 लोगोस दे रहे हैं, हम यहाँ पे सोशल मीडिया किट भी दे रहे हैं, यहाँ पर हम बिजनेस कार्ड वगैरह भी दे रहे हैं। बिजनेस कार्ड का आपको पता होगा जो डिज़ाइन होते हैं, हम यहाँ पे जी फ्लेक्स डिज़ाइन भी दे रहे हैं। सो हम लोगों ने इंक्रीज कर दी सर्विस। इस तरह अगर राइटिंग का है तो राइटिंग के साथ में कहूँगा मैं जी आपको रिव्यू भी दे रहा हूँ, मैं आपको एंट्री डेटा एंट्री भी दे रहा हूँ, रिसर्च की सर्विस भी दे रहा हूँ, तो आप उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। प्रीमियम पैकेज आपका ऐसा पैकेज होता है जिसमें आप सबसे ज़्यादा सर्विसेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों की बात करें तो लोगों के साथ बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जिस तरह बिजनेस कार्ड की होती है, वेबसाइट डिज़ाइन, ऐप डिज़ाइन। जैसे करीम की आप एग्जांपल ले लें, अब करीम जो है उसका एक लोगो डिज़ाइन होगा, उसका फिर फर्नीचर वो ऑफिस का जो है सारा वॉलपेपर्स वगैरह वो डिज़ाइन होंगे, उसकी गाड़ियों के स्टिकर डिज़ाइन होंगे, उसकी वेबसाइट डिज़ाइन होगी, उसकी ऐप डिज़ाइन होगी, उसका बिजनेस कार्ड लेटर हेड एनवेलप, उसकी सोशल मीडिया जो पेजेस हैं उसके डिज़ाइन, ईच एंड एवरीथिंग डिज़ाइन होगा। तो उसको हम ओवरऑल कहते हैं हम मैक्सिमम सर्विसेज इसमें प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह कोई और सर्विस आप ले लें डिज़ाइन लोगों की बजाय, आप फॉर एग्जांपल वॉइस ओवर कर लें, तो वॉइस ओवर में आप कहेंगे जी वॉइस ओवर में मैं आपको सिर्फ उर्दू में नहीं, आपको इंग्लिश में, आपको डिफरेंट और लैंग्वेजेस में मैं वॉइस ओवर प्रोवाइड करूंगा, और वॉइस ओवर के जो फाइल्स होंगी, जो फॉर्मेट्स होगी जो आपको मैं भेजूंगा ऑडियो फॉर्मेट, वो इन फॉर्मेट्स में होगा। यानी आप उसको वैरायटी प्रोवाइड करेंगे, आप उसको जितनी मैक्सिमम उससे रिलेटेड सर्विस है वो आप प्रोवाइड करेंगे। अगर वो कहते हैं जी वीडियो भी रिकॉर्ड करें तो वीडियो भी रिकॉर्ड करके देंगे। सो ये सारी चीज़ें, यानी प्रीमियम पैकेज में हमारी कोशिश होती है मैक्सिमम सर्विसेज बाय करें। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हम लोग मैक्सिमम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऐसी प्राइस पे जो कि लेस होती है उस प्राइस से जो कि फॉर एग्जाम्पल अगर स्टैंडर्ड पैक की प्राइस $15 है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं उसको डबल करूं तो कितना बनेगा $30, उससे भी थोड़ी सी कम होती है $25 कर दी फॉर एग्जाम्पल। यानी ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा वी ऑफर मैक्सिमम सर्विस इन अ प्राइस दैट इज लेस इफ वी डबल द प्राइस ऑफ स्टैंडर्ड पैक। अगर हम स्टैंडर्ड पैक की प्राइस को डबल करते हैं तो उसकी प्राइस से भी जो है ना थोड़ी सी कम होगी वो। तो स्टैंडर्ड पैक की प्राइस अगर फॉर एग्जाम्पल 20 है तो मैंने इसको रख लिया 35,
क्योंकि 20 को डबल करें तो क्या हो गया 40, 40 को 5 और कम किया तो 35। वी मस्ट नॉट थिंक दैट वी आर ओवर सेलिंग इन अ स्मॉल प्राइस। इसमें ये होता है कि कुछ हम लोग ये भी सोचने लग जाते हैं कि जी हम बहुत ज्यादा सर्विसेज दे रहे हैं बहुत थोड़ी सी प्राइस पर। इसमें नहीं है, बिकॉज आप लोगों को एटलीस्ट $35 इज मच बेटर देन $5। $35 के आप लोगों को दो क्लाइंट्स मिल जाए, तीन क्लाइंट्स मिल जाए महीने के, आपके $105 बन जाएंगे। ज्यादा काम होगा मानता हूँ, लेकिन एक ही क्लाइंट का होगा। याद रखिएगा, जितने ज्यादा क्लाइंट्स उतना ज्यादा सर दर्द, बिकॉज हर क्लाइंट के अपने नखरे, अपने मूड्स, अपना रीजन। कोई अफ्रीका से है, कोई अमेरिका से, कोई मेक्सिको से, कोई कनाडा से, कोई यूरोप से। हर किसी के टाइमिंग्स डिफरेंट, हर किसी के मूड स्विंग्स डिफरेंट, हर किसी की डिमांड्स डिफरेंट। सो दैट इज वाई वी ऑलवेज मेक गुड प्रॉफिट इन दिस बिकॉज ऑफ लार्जर सेल्स। और मेन एम शुड बी द कस्टमर बाय दिस प्रीमियम। हमारा मेन एम यही होना चाहिए कि इन तीनों में से हमारा कस्टमर प्रीमियम पैकेज ही बाय करें, ताकि हमारी सेल्स बड़ी हो। रादर के आप कहें कि जी मुझसे इतना काम नहीं होता तो कस्टमर $5 वाली कर लिया, अगर बेशक 100 कस्टमर $5 वाले कर लें, लेकिन या तकरीबन 10 कस्टमर $5 कर लें, 20 कस्टमर कर लें, बट $5 वाला करें बिकॉज मुझे ये आसान लगता है। तो ये साइकोलॉजी ऑफ प्राइसिंग है, इसको आप देखेंगे। और इसमें गिग आइटम्स में आप देख सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऑफर की जाती हैं। आप लोग प्राइसिंग के लिए भी ये कर सकते हैं कि जिस भी सर्विस में आप लोग जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी यहाँ पर हम कंटेंट मार्केटिंग के अंदर हम लोग बेचना चाह रहे हैं जी कंटेंट स्ट्रेटजी एंड रिसर्च को, ठीक है। तो कंटेंट स्ट्रेटजी और रिसर्च में जो टॉप गिग्स हैं आपकी, उनको आप देखें, उनकी प्राइसिंग देखें, और ये देखें कि क्या चीज़ वो उसमें ऑफर कर रहे हैं। यानी ये आपका प्लान है यहाँ से, उसकी प्राइस है, और ये बेसिकली उसकी हेडलाइन और जो उसमें ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कितने डेज में ऑफर किया जाएगा, यहाँ पर बेसिकली बताया जा रहा है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी उस प्लान में, यानी उस प्राइस प्लान में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ये है आपका प्राइसिंग। आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जिस सर्विस में भी आप लोग बनाना चाह रहे हैं, उस सर्विस में जो आपके इम्पोर्टेंट सेलर्स हैं जिनके रिव्यूज अच्छे हैं, उनकी आप प्राइसिंग को अपने पास कॉपी करते जाएंगे, ठीक है। आपका बेसिक स्टैंडर्ड बेसिक पैक में थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा इसको। यानी आप 15 आइडियाज इसमें जनरेट कर रहे हैं, $5 में एक दिन की डिलीवरी है, और इसमें आप लोगों का पेज चैनल एवेल्युएशन और एक्शन प्लान किया जाएगा। यानी आप इस तरह प्राइसिंग कॉपी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि लोगों ने फॉर एग्जाम्पल इस वाली सर्विस में जो कॉन्टेंट मार्केटिंग की है उसमें क्या क्या बेसिकली, यानी आर्टिकल या कंटेंट मार्केटिंग की उसमें क्या क्या प्राइसिंग रखी हुई है, यहाँ से आपको बेसिकली उसका आइडिया मिल जाता है। तो यू कॉपी डिफरेंट सेलर्स प्राइसिंग, और सेलर्स की उसमें प्राइसिंग कॉपी करनी है उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने टाइटल कॉपी किए थे, उसी तरह। फॉर एग्जाम्पल मेरा है जी फैशन सिग्नेचर लोगो में अब मैं जाकर इन गिग्स पे जाऊंगा, जो जहाँ से मैंने टाइटल कॉपी की है उन्हीं गिग्स की आप प्राइसिस कॉपी कर लें। इसकी मैं प्राइसिस कॉपी करूँगा, अच्छा ये क्या बेच रहा है, क्या सेल कर रहा है, किस प्राइसेस पर बेच रहा है। थोड़ा सा आप लोगों ने ये भी चीज़ माइंड में रखनी है कि आप एक दफ़ा ये देख लीजिएगा कि फाइवर पर हमारे पास तीन लेवल्स मेन होते हैं, यानी चार लेवल्स होते हैं, उनको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप लोगों का होता है न्यू सेलर लेवल, जो अभी आप लोग का है, जो आप लोग जैसे अकाउंट बनाओगे तो उसमें न्यू सेलर लेवल आपको मिलेगा। फिर एक होता है लेवल वन, एक होता है लेवल टू, और एक होता है टॉप रेटेड। तो हम लोगों ने ये भी देखनी है कि प्राइसिंग आप थोड़ी सी नोट कीजिएगा, लेवल वन टू के सेलर्स की थोड़ी सी ज़्यादा है, ये सारे टू के सेलर्स हैं। तो आप कोशिश करें कि जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हो ना, वो ना लेवल वन के ना लेवल टू के हैं, आप उनकी प्राइसिंग को कॉपी करें। आप उनकी प्राइसेस को कॉपी करें, समझ लीजिए बात की। तो ये आपकी प्राइसिंग होगी, ये प्राइसिंग का सेक्शन है। इसमें भी आप लोगों ने बड़ी डिटेल में जो है ना इसमें एफर्ट करनी है और मेहनत करनी है, और इसको रिसर्च आउट आप लोगों ने करना है। उसके बाद आ जाती है आपकी डिस्क्रिप्शन, आपकी जो डिस्क्रिप्शन है गिग की, इसको आप लोगों ने किस तरह लिखना है, इसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन ऑफ गिग मैं ज़रा आपको बता दूं, हम लोग ने लास्ट क्लास में प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी, कि जो आपकी अपनी प्रोफाइल बनती है ना उसकी एक डिस्क्रिप्शन होती है। फॉर एग्जांपल ये एक डिस्क्रिप्शन है कि हेलो आई एम अ लोगो डिज़ाइनर, या जो भी है।
हम क्या क्या करते हैं, हम लोगो डिजाइनर हैं, हम आर्टिकल राइटर हैं, डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट हैं, लॉजिस्टिक मैनेजर हैं, जो भी है आपकी स्पेसिफिक स्किल, वो आप यहाँ पर लिखते हो, अपने आप को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करवाते हो, बिकॉज ये आपकी डिस्क्रिप्शन है। लेकिन जो आपकी फॉर एग्जाम्पल गिग होती है, उसकी अपनी एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन होती है, बेसिकली डिस्क्रिप्शन होती है उसमें जब सर्विस बेच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लग्जरी सिग्नेचर अगर लोगो अगर बेच रहे हैं, तो वो उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन होगी, रादर के आप अपने बारे में डिस्क्रिप्शन लिखें जी कि हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं या इतना पैशनेट हम काम करने में, लोगो डिज़ाइन भी आता है, वेबसाइट डिज़ाइन भी आता है, मिनिमल डिज़ाइन भी आता है, इस तरह का लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सो आपकी जो डिस्क्रिप्शन होती है बेसिकली, इसमें आप लोगों का आपकी जो गिग सर्विस बेच रहे होते हैं स्पेसिफिकली, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, और इसमें आपका टैग्स का रद्दबदल बहुत ज़्यादा होता है, टैग्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है आपकी डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने सर्च किया जी ब्यूटी बुटीक लोगो, हो सकता है किसी के टाइटल में ना तो ब्यूटी का लफ्ज़ हो ना ही बुटीक का लफ्ज़ हो, अभी तक तो सब में है, लेकिन हो सकता है किसी में ना हो। अब आप सोचेंगे सर हमने तो सर्च किया ब्यूटी फैशन लोगो, और यहाँ पे जो हमें टाइटल नज़र आ रहे हैं उसमें तो वो टैग ही नहीं है। तो वो इस तरह होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसकी टैग में ब्यूटी फैशन लोगो जो है ना, ब्यूटी बुटीक लोगो नहीं एग्जिस्ट करता है इसके टाइटल में, तो हो सकता है उसके कहीं ना कहीं उसकी डिस्क्रिप्शन में वो मेंशन हो, इसलिए सर्च हो गया हो। आपके टाइटल में अगर देखें, आपके टाइटल लिमिटेड होता है, उसमें सारे कीवर्ड्स नहीं आ सकता, तो अगर आपके टाइटल में वो कीवर्ड नहीं है और आपकी डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड है, तो आपकी गिग सर्च आउट हो सकती है। सो इसका मतलब हमने ये निकाला, इसका मतलब हमारा ये निकला कि तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इसका, ये तो आपकी रैंकिंग के लिए बहुत अच्छी है, यानी इसमें तो हम फ्रीली टैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका आंसर है यस। लेकिन डिस्क्रिप्शन की आपको एक जो है ना, क्या कहते हैं, एक कुछ रूल्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बारे में भी आपको बताता हूँ। अच्छा, जो आपकी गिग डिस्क्रिप्शन होती है उसको हमने एसईओ फ्रेंडली बनाना होता है। एसईओ फ्रेंडली बनाने का मतलब क्या है? एसईओ फ्रेंडली बनाने का मतलब ये है कि आपकी गिग की जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें हम मैक्सिमम टैग्स को इंटीग्रेट करेंगे, यानी उसमें जितना कोशिश होगी हमारे टैग्स यूज हों उतना ही ज़्यादा बेहतर है, उतनी हमारी सर्चबिलिटी ज़्यादा बेहतर होगी। तो सबसे पहले आपका जो रूल है, कुछ रूल्स हैं उनको हम पढ़ लेते हैं, मैं जरा जूम इन भी कर देता हूँ। नंबर वन रूल है कि द गिग टाइटल शुड बी मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ, जिसको हम कहते हैं इंट्रो ऑफ द डिस्क्रिप्शन, यानी आपकी जो डिस्क्रिप्शन का स्टार्ट है उसमें आपका जो टाइटल है, यानी या जो आपका मेन कीवर्ड है, टाइटल हो तो बहुत बेहतर है, जो आपका टाइटल है उसका मेन कीवर्ड जो है यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसने लिखा हुआ है वेलकम टू माय गिग लग्जरी सिग्नेचर एग्जैक्टली इसने ये वाले वर्ड्स नहीं लिखे, लेकिन इट वुड हैव बीन बेटर कि यहाँ पर ये लिखता वेलकम टू माय गिग वेयर आई प्रोवाइड लग्जरी क्लोथिंग फैशन सिग्नेचर फेमिनिन लोगो, तो उससे ये होता है, और उसको जब ये हाईलाइट करता तो उससे ये होता है कि फाइवर इसकी जो गिग है उसको इन टैग्स पर रैंक कर सकती थी, उसके चांसेस ज्यादा हो सकते थे। दूसरा रूल क्या है? द मेन कीवर्ड शुड बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन एटलीस्ट 3 to 5 times आपका मेन कीवर्ड मेंशन होना चाहिए, 3 to 5 मरतबा आपका मेन कीवर्ड। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा मेन कीवर्ड कौन सा है जी? फैशन सिग्नेचर लोगो, तो हमारा वो फैशन सिग्नेचर लोगो हमारी पूरी डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं 3 to 5 times यूज होना चाहिए, और यूज होने का मतलब ये नहीं कि ये जबरदस्ती यूज कर लिया, उसको प्रॉपर किसी सेंटेंस में इंटीग्रेट करेंगे हम। अब वो किधर किधर, अगर तीन दफा यूज करें तो आपके इंट्रो में, मेन बॉडी जो आपकी होती है, और आपका एंडिंग में, ठीक है, यहाँ पर आपके यूज होना चाहिए मेन कीवर्ड।
जो सेकेंडरी कीवर्ड्स है वो शुड बी मेंशन एटलीस्ट 1-3 टाइम्स. नाउ व्हाट आर द सेकेंडरी कीवर्ड्स, लेट्स सी आवर टाइटल. वन मिनट. हमारा टाइटल ये है, आई विल डिजाइन लग्जरी ब्यूटी स्किन केयर एंड फैशन सिग्नेचर लोगो. फैशन सिग्नेचर लोगो तो हमारा हो गया ना मेन कीवर्ड. सेकेंडरी कीवर्ड्स ये हो गए लग्जरी ब्यूटी स्किन केयर. इनको कहीं ना कहीं आप लोग 1-3 दफा मेंशन करें. और ये वाला जो पैक है वो हम कोशिश करते हैं कि हम एक दिन में डिलीवर करें. वैसे अच्छा सॉरी यहाँ पे नहीं था, हम यहाँ पर थे कि सेकेंडरी कीवर्ड्स जो है हमारे शुड बी मेंशन एटलीस्ट 1-3 टाइम्स इन द डिस्क्रिप्शन. यानी 1-3 मरतबा आप उसको यूज कर सकते हैं और मेन कीवर्ड को कहीं ना कहीं आप 3-5 मरतबा यूज कर सकते हैं, जिसमें से रेकमेंडेड ये 3 जगह हैं. इसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ, इंट्रो मेन बॉडी एंड एंडिंग किधर किधर आप मैंशन करेंगे और किस तरह. जो रिलेटेड और कीवर्ड्स हैं और टैग्स, रिलेटेड कीवर्ड्स और टैग्स कौन से होते हैं, जिस तरह आप लोग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सर्च किया आपने फैशन लोगो सर्च किया, तो फैशन लोगो सर्च करने के बाद ये जो आपको सजेस्टेड और रिलेटेड टैग्स आ रहे हैं इनको भी आप लोग कहीं ना कहीं मेंशन करें अपनी डिस्क्रिप्शन में एक दफा. या जिस तरह अर्बन का लव्ज यूज हो गया, मोनोग्राम का लव्ज यूज हो गया, क्लोथिंग का यूज हो गया, क्योंकि फैशन लोगो के से रिलेटेड अगर कोई सर्च करेगा तो इन कीवर्ड्स पे भी हाथ मार सकता है, इन कीवर्ड्स को भी सिलेक्ट कर सकता है, इन कीवर्ड को भी सर्च कर सकता है. बिकॉज फाइबर इज सजेस्टिंग देम, वी आर नॉट सजेस्टिंग देम, फाइबर इज सजेस्टिंग देम. So, इसके बाद का रूल हम देखते हैं. अगेन वही मैं बात करूं कि डोंट क्रैम ऑल कीवर्ड्स इन वन सेंटेंस. ऐसा नहीं है कि जी सर आपने कहा था जी 1-3 दफा मेंशन करना है तो हमने एक ही लाइन में 1-3 दफा मेंशन कर दिया. ऐसा नहीं है, हमने एक स्ट्रक्चर में उनको इंटीग्रेट करना है या प्लान करना है उन कीवर्ड्स को. डिस्क्रिप्शन शुड बी इन पैराग्राफ्स एंड लिस्ट ऑन आइटम्स शुड बी इन बुलेट पॉइंट. जो आपकी डिस्क्रिप्शन है फॉर एग्जाम्पल उसके 3 सेक्शन होते हैं, एक आपकी इंट्रो इंट्रो होती है, एक मेन बॉडी होती है और एक एंडिंग होती है. जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका इंट्रो है, ये आपकी मेन बॉडी है और ये आपका एंडिंग है. एंडिंग जिसमें कॉल टू एक्शन भी आप कह सकते हैं, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह हमने प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में देखा था, आप एंडिंग में कहते हैं जी फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस. इसी तरह यहाँ पे भी कॉल टू एक्शन होता है. तो ये आपके 3 हिस्से होते हैं. Description should be in paragraph. ये मैं बता चुका हूँ. You cannot copy the exact description of any seller, but yes, you could mold the description of different sellers into your own. अगर आप एक ही सर्विस बेच रहे हैं उनके सेलर्स की, आप लोग डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके अपने पास अपनी एक नई अपनी उनको उनकी वर्डिंग को मोल्ड करके अपनी एक डिस्क्रिप्शन लिख लें. और फाइनली जब आप डिस्क्रिप्शन लिख लें तो आपने उसे SEO कीवर्ड डेंसिटी टूल में चेक करना है. तो उसको मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि आप किस तरह कर सकते हैं. देखते जी गिग डिस्क्रिप्शन हमने लिखनी किस तरह है. अच्छा जो गिग डिस्क्रिप्शन हमने लिखनी है, फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पर टाइटल है जी वही वाला. हम टाइटल कंटिन्यू करते हैं जो हम पहले पढ़ रहे हैं. एक मिनट जरा मैं सेटिंग कर लूँ थोड़ी सी. अच्छा टाइटल ये हमारा कि आई विल डिजाइन लग्जरी ब्यूटी स्किन केयर एंड फैशन सिग्नेचर लोगो. तो आपका जो सबसे पहले ये ना हिस्से मैंने डिवाइड किए हुए हैं कि किस तरह बेसिकली आप लोग सबसे पहले आपकी जो गिग स्ट्रक्चर है उसमें आपका सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रो टू द सर्विस. कि आप सर्विस का इंट्रो शुरू करते हैं जिसमें जिसको आप 2 या 2.5 लाइनों या 3 लाइनों तक लेके जा सकते हैं. आपने मस्ट मेंशन करना है अपना होल टाइटल हेयर. अपने इंट्रो में आपने अपना पूरा टाइटल मेंशन करना है और उसको बोल्ड करें. सोबिया गुल ने अपना हैंड रेस किया. मैं आप लोग के क्वेश्चंस के आंसर लेता हूं. बस ये हम टॉपिक को वाइंड अप कर लें फिर आखिरी आधे घंटे में हम लोग अपने पास आप लोग ना क्वेश्चंस लिख लें जो जो भी क्वेश्चंस हैं. आखिरी हाफ एन आवर में हम उन क्वेश्चंस को जो है केटर करेंगे. अभी मैं क्विकली बस आप लोग को ये बता दूँ फिर हम गिग उसी तरह हम बनाएंगे. गिग को आप लोगों को पब्लिश करने सिखाऊंगा और आप लोग का जो फाइवर का जो सारा टॉपिक है ना वो कवर हो जाएगा.
एटलीस्ट आप फाइबर पे फ्रीलांसिंग शुरू करने वाले बन जाएंगे। सबसे पहले इंट्रो, आपका टाइटल जो है वो आपका हम किस डॉक्यूमेंट में थे, ये रहा आपका टाइटल, उसको आप लोग बोल्ड कर लें एंड हाईलाइटेड। ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी जब हम गेम पब्लिश करेंगे किस तरह हो सकता है बोल्ड और हाईलाइट। अगर आपके डिस्क्रिप्शन के इंट्रो में कोई हुकअप लाइन हो, हुकअप लाइन क्या होती है, जिस तरह आप लोग कभी नॉवल पढ़ते हैं तो या ऐसे पढ़ते हैं तो उसका स्टार्ट होता है कि बड़ा उसका अनकैजुअल से स्टार्ट होता है, एक बड़ा अट्रैक्टिव से स्टार्ट होता है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज दिस दिस दिस, तो इस तरह का। तो हुकअप लाइन भी आप लोग को यहाँ पर दिखेगी कि टायर्ड ऑफ लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल डिजाइनर फॉर योर लोगो, कुछ इस तरह की हो, या आज इस तरह भी होता है कि इन टूडेज मार्केट अ गुड लोगो इज एन आइडेंटिटी फॉर एनी ब्रांड, समथिंग लाइक। इस तरह की हुकअप लाइन आप लोग यूज करें, जिससे क्या होता है कि आपकी जो जो बायर है वो आपकी जब डिस्क्रिप्शन पढ़ना शुरू करता है तो हुक्ड हो जाता है, वो कहते हैं कि मैं स्कोर पढ़ता पढ़ता जाऊँ। अगेन बोल्ड करेंगे और हाईलाइट करेंगे आप अपने मेन कीवर्ड को और अदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को। एज ऑफ, अब ये मैंने बेसिकली इंट्रो लिखा हुआ है कि एज ऑफ टुडे एवरी फोटोग्राफर इज आफ्टर अ पर्सनल सिग्नेचर टू गेट देयर बेस्ट ब्रांडिंग। हेयर आई विल डिजाइन प्रोफेशनल वाटरमार्क और फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो फॉर योर बिजनेस। तो मैं अगर फैशन से रिलेटेड करूंगा तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी एवरी फैशन आर्टिस्ट इज आफ्टर पर्सनल सिग्नेचर टू गेट देयर ब्रांडिंग, और मैं यहाँ पर अपनी पूरे गिग का टाइटल जो है वो मैंशन कर दूंगा, आई विल डिजाइन लग्जरी ब्यूटी स्किन केयर एंड फैशन सिग्नेचर लोगो। ऑलराइट, और उसको देखें जिस तरह मैंने ये हाईलाइट किया है और जिस तरह मैंने बोल्ड किया है, इस तरह आप लोगों ने कर लेना है अपने टाइटल को, इस तरह आप लोगों ने अपने मेन बॉडी में अपने टाइटल को मेंशन, सॉरी जो इंट्रो है उस पर अपने टाइटल को मेंशन करना। उसके बाद आ जाती है आपकी मेन बॉडी, उसमें आप लोग क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसको हम बुलेट पॉइंट्स में ही डिस्कस करते हैं, जिस तरह आप लोग यहाँ पे गिग्स कुछ देखेंगे, ये देखें बुलेट पॉइंट्स में डिस्कस की गई है, पैराग्राफ्स में भी कर सकते हैं, लेकिन बुलेट पॉइंट्स में ये होता है कि आपके बायर को इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिस तरह ये बुलेट पॉइंट्स में इन्होंने मेंशन किया हुआ। सो इसमें इसमें हम क्या क्या चीजें मेंशन करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि कस्टमर क्यों आपको हायर करें, क्या आप में खास बात है, किस तरह आप दूसरों से बेहतर हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि वाई यू शुड हायर अस, इसमें कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं। कस्टमर को हम बताते हैं कि उनको क्या क्या मिलेगा इस गिग में, ठीक है, इस गिग में हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, हमारी एक्सपर्टीज क्या है, हम किस यानी स्टाइल्स में या किस तरह के लोगों से हम बनाते हैं, हम किन इंडस्ट्रीज के लिए ज़्यादा और काम कर सकते हैं फैशन के अलावा, इन तीनों के अलावा हम कौन सी और ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। तो वाई यू शुड हायर अस में मैंने लिखा जी 100% ओरिजिनल और कस्टम वर्क आपको मिलेगा, लोगोज हैंड स्केच होंगे, फिर हम उसको डिजिटली इलस्ट्रेट करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर में, ये एक सॉफ्टवेयर है लोगोज बनाने का, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होगी 24 घंटे एक्सप्रेस डिलीवरी के साथ, कीपिंग कस्टमर्स अप टू डेट, मैं अपने कस्टमर्स को अप टू डेट रखता हूँ ताकि उनको पता रहता रहे कि मेरा काम किस तरह होगा। तो ये मैंने उनको कुछ रीजंस बताए हैं कि आप मुझे क्यों हायर करेंगे। अब नेक्स्ट मैं उन्हें बता रहा हूँ कि आपको उसमें क्या क्या मिलेगा, यानी आइटम्स क्या क्या मिलेंगे, जिसमें बता रहा हूँ जी आपको ओवरऑल 3 लोगोज मिलेंगे, उसके साथ कुछ फाइल्स मिलेंगी, आप लोगों को कलर वेरिएशन मिलेंगी। सर अगर आर्टिकल की आप सर्विस बेच रहे हैं या डेटा एंट्री की बेच रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आपको इतने डेटा एंट्री वर्जन प्रोवाइड कर सकता हूँ या एक्सप्रेस डिलीवरी 24 घंटे के अंदर प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो भी इस तरह की है वो आप लोग यहाँ पर बताएंगे। एक मिनट दीजिएगा, ओके। सो उसके बाद आप लोग मेन बॉडी में आप लोग ये बताते हैं कि आप किस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल विच अदर इंडस्ट्रीज वी केटर, किस और इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा फैशन ब्यूटी और स्किन केयर से रिलेटेड कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसमें आप जो है ना काम कर सकते हैं, जिस तरह ज्वेलरी की हमने देखी थी, बुटीक की हमने देखी थी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी ज्वेलरी में मैं काम करूँ, तो फॉर एग्जाम्पल
अगर कोई सर्च करता है ना ज्वेलरी लोगों को, या अगर कोई सर्च करता है बुटीक लोगों को, तो उसमें भी हमारी गिग सर्च आउट हो सकती है, समझ में लगी? तो डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग टैग्स को ये ऐड कर रहे हैं, ये बहाना है सिर्फ टैग्स ऐड करने का। और यहाँ पर देखिएगा कि व्हाट आइटम्स वुड यू गेट में, मैंने यहाँ पर लिखा जी टू लग्जरी फैशन सिग्नेचर लोगो, यहाँ पर सॉरी लिखना था। तो यहाँ पर देखें हमने अपना मेन टैग मेंशन किया है बहाने से, और बिल्कुल एक सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए मेंशन किया है, और क्या कहते हैं वो बुरा भी नहीं लग रहा, और उसको हमने बोल्ड भी किया। एक्सपर्टीज हमारी क्या है, हम जी हैंड रिटन, इस पे जो भी आपने वो एडजेक्टिव वाले टैग्स नहीं है, जिस तरह एलिगेंट हो गया, हैंड रिटन, लग्जरी, फेमिनिन, मॉडर्न, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। आपने देखा होगा कि ये भी टैग्स कुछ इससे रिलेटेड चल रहे थे, आप लोग अगर जाए अपने टाइटल सर्च वाले में तो ये फेमिनिन, हैंड रिटन, ये देखिएगा हैंड रिटन, लग्जरी, ब्यूटी, तो ये टैग्स यहाँ पर चल रहे हैं। सो हम लोग अगर यहाँ पर ये लिख लेते हैं तो ये हमारे लिए काफी अच्छा फायदा है। सॉरी डॉक्यूमेंट में यहाँ पर हमारी एक्सपर्टीज क्या है, फेमिनिन, मॉडर्न। उसके बाद तीसरा आपका सेक्शन होता है जी एंडिंग, जिसको आप कॉल टू एक्शन भी कह सकते हैं, जिसमें आप इनवाइट करते हैं कि जी हमारे साथ काम करें। सो लेट्स गेट योर फोटोग्राफी एडवेंचर, इसमें मैं फोटोग्राफी से रिलेटेड नहीं है, फैशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैं इसको फैशन करता हूँ। लेट्स गेट योर फैशन एडवेंचर अ यूनिक सिग्नेचर वाटरमार्क लोगो, फील फ्री टू ऑर्डर अस एंड हैव योरसेल्फ अ क्रिएटिव आइडेंटिटी विद आवर डिजाइंस। तो इस तरह मैंने एक हुकअप लाइन के साथ एंड किया, और उसमें भी मैंने कोशिश की कि मैं क्रिएटिव का टैग ऐड कर दिया, डिजाइन का टैग ऐड कर दिया। ठीक है, यहां पर भी देखें सिग्नेचर फैशन लोगो आपका मेन टैग ऐड हो चुका है, और इस तरह बेसिकली आपकी ये गिग डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। तो फॉर एग्जांपल ये टोटल हमारी डिस्क्रिप्शन बनेगी, इस तरह आपको नजर आएगी। एज ऑफ ये आप देखें पैराग्राफ वाइज लिखी है, मैं इसको बल्कि यहाँ पर चेंज करता हूँ। ये हमारा इंट्रो हो गया, उसके बाद हमारी मेन बॉडी हो गई उसकी, और उसके बाद हमारा जो है ये हो गया कॉल टू एक्शन, राइट? अच्छा, अब यहाँ पर देखिए इस तरह की आपकी डिस्क्रिप्शन लिखी गई है। आप ने ये वाली हेडिंग्स नहीं देनी, कॉल टू एक्शन और मेन बॉडी, और आपने ये चीज़ें आपको समझाने के लिए लिखी हैं। तो इस तरह जब आपकी फाइनल डिस्क्रिप्शन इस तरह की दिखेगी, एज ऑफ टुडे एवरी फैशन आर्टिस्ट इज आफ्टर पर्सनल सिग्नेचर इज टू गेट देयर बेस्ट ट्रेंडिंग हेयर, आई विल डिजाइन लग्जरी ब्यूटी स्किन केयर एंड फैशन सिग्नेचर लोगो फॉर योर बिजनेस। आप लोग ये बताएंगे कि व्हाई यू शुड हायर अस, व्हाट आइटम्स वुड कस्टमर गेट, उनको आप बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे, कौन सी इंडस्ट्रीज को आप केटर करेंगे, कौन सी एक्सपर्टीज में आप काम करेंगे, और एंड पर आप जो बताएंगे कि आप अपना एक लोगो स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप हमारी गिग को हायर करें। अच्छा, अभी हमें आइडिया कहाँ से आएगा कि हमने व्हाई यू शुड हायर अस पे क्या लिखना है, और व्हाट आइटम्स वुड कस्टमर गेट? इसके लिए आपको इसी कैटेगरी में लोगों की डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना पड़ेगा। अगेन वही वाला सारा प्रोसेस हम करेंगे जो कि हम लोगों ने किया है टाइटल के साथ, वो मैंने उसमें आपको इसलिए डिटेल में बता दिया ताकि आप लोग आगे जब जाओ तो वही चीज़ हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर अब हम इनकी डिस्क्रिप्शंस को कॉपी करेंगे। क्योंकि मैंने तो यहां पर ये लिख ली है खुद से, बट आप लोग नहीं लिख पाएंगे ना खुद से, आप लोगों को मसला होगा खुद से लिखने में। तो ये अभी आप इसको इग्नोर कर दें, तो मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए की थी। जब आपने खुद से लिखनी है ना तो आपको उससे पहले क्या करना होगा, उससे पहले 10 सेलर्स की डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना होगा। इस तरह यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट में
कॉपी की हुई है, देखें गिग डिस्क्रिप्शन, अदर सेलर गिग डिस्क्रिप्शन, उनको मैंने कॉपी किया दूसरे सेलर की, तीसरे सेलर, चौथे सेलर, और क्या कहते हैं, उनको कॉपी करने के बाद बेसिकली आप लोग ये करें कि आप देखें कि वो लोग कौन से टैग्स यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल ये देखें, यहीं से मैंने थोड़ी सी ना इंस्पिरेशन ली थी कि इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि व्हाई यू शुड हायर अस, तो इसने लिखा जी 100% ओरिजिनल वर्क. तो इसको थोड़ा सा मैं मोल्ड कर सकता हूँ, आप लोग इसके वर्ड, सॉरी एक मिनट, आप लोग इसकी वर्डिंग को थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं जी. फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की जगह आप कुछ और कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फास्ट कम्युनिकेशन, लाइक वेरी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन. प्रोफेशनल की जगह आप कोई और लव सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं. डिलीवर और टाइम की जगह आप कह सकते हैं जी एक्सप्रेस डिलीवरी. बात ये कि आप बात वही कर रहे हैं लेकिन अपने अल्फाज में. तो आप अगर इसने ये स्टार्टिंग की है, एवरी बिजनेस नीड्स टू एस्पायर एंड हैव यूनिक ब्रांडिंग, इसको आप अपने लफ्जों में लिखें, ठीक है, इसको आप अपने लफ्जों में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि इन टूडेज मार्केट एवरी ब्रांड और बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट विद अ यूनिक ब्रांडिंग. फॉर एग्जाम्पल इस तरह की मैंने यहाँ पे हुकअप लाइन लिख दी. आइडिया मैंने दूसरों की डिस्क्रिप्शन से लिया लेकिन उसको मैंने अपनी जो है ना डिस्क्रिप्शन में मोल्ड कर दिया. इसी तरह आप 3 से 5 या 10 डिस्क्रिप्शन जो हैं आप कॉपी करके अपना एक पहले इंट्रो बनाएंगे, फिर अपना मेन बॉडी बनाएंगे, और आपने बेसिकली वही स्ट्रक्चर फॉलो करना है जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है. दूसरे डॉक्यूमेंट में जो मैंने आपको बताया है उसको आप लोगों ने फॉलो करना है, उस स्ट्रक्चर को, ठीक है, इस वाले को. और आपने दूसरों की डिस्क्रिप्शन जो है ना कॉपी करने के बाद आप लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शन मोल्ड करनी है. अपने वर्ड्स को आप उनके सेंटेंसेस को आप थोड़े से चेंज कर सकते हैं. इस तरह आर यू लुकिंग फॉर ब्रांड यूनिक कैलीग्राफी एंड हैंड रिटन स्टाइलिश सिग्नेचर लोगो, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ कि आर यू अ फैशन ब्रांड हु इज इन सर्च ऑफ अ सिग्नेचर लोगो, समथिंग लाइक दिस. इस तरह का मैंने उसको चेंज कर दिया. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जी मैं यहाँ पर उसमें लिखा हुआ है इफ यू वॉन्ट टू हैव मोर देन वन लोगो फाइल्स देन यू विल हैव टू एड $10 मोर. तो इसको आप थोड़ा सा रीस्टेट कर लेंगे, यू विल हैव टू स्पेंड $10 मोर इफ यू वॉन्ट टू एड वन मोर लोगो. बात ये कि बात वही हो रही है बट आपने उसको अपने वर्डिंग्स में इस्तेमाल कर दिया. एक्सप्रेस डिलीवरी इन वन डे, इसको आपने चेंज कर दिया जी कि यू विल गेट द लोगो विद इन वन डे डिलीवरी, समथिंग लाइक दैट. आपने उसका स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया, बात वही हो रही है लेकिन स्टेटमेंट आपका चेंज हो गया. अब यहाँ पर भी देखें बात कुछ और हो रही है. यहाँ पर वो कह रहे हैं जी मैं यहाँ पे हाई क्वालिटी वर्क दूंगा, तो मैं आप इसको कह सकता हूँ कि यू विल गेट प्रीमियम वर्क. वो कहते हैं जी 100% सेटिस्फेक्शन एंड मनी बैक गारंटी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको यू विल गेट योर फुल रिफंड इफ यू आर नॉट फुली सेटिस्फाइड. बात वही हो रही है बट हम लोगों ने उसके सेंटेंस को चेंज कर दिया. क्विक रिस्पॉन्स विद इन अ फ्यू मिनट, तो मैं इसको चेंज करके लिख सकता हूँ कि फास्ट टर्न ओवर कम्युनिकेशन, समथिंग लाइक दैट. समझ में आ रही है आप लोगों को बात को? तो इस तरह आप लोग दूसरों की गिग्स की कॉपी करेंगे और अपनी गिग डिस्क्रिप्शन आप लोग बनाएंगे. तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ से दूसरों की गिग की डिस्क्रिप्शन कॉपी की, उनको अपनी डिस्क्रिप्शन में मोल्ड किया और फिर मैंने ये अपनी डिस्क्रिप्शन बनाई जो मैंने यहाँ पर ये लिखी है, ठीक है. फिर मैंने वो डिस्क्रिप्शन बनाई जो मैंने यहाँ पर लिखी है. अब जब आप उसको लिख लें तो उसके बाद आप लोगों ने इसके साथ क्या ट्रीटमेंट करना है वो हम देख लेते हैं. हमने एक ये रूल पढ़ा था यहाँ पर SEO फ्रेंडली जो आपके डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, लास्ट रूल था कि जब आपने अपनी डिस्क्रिप्शन बनानी है तो उसमें ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है. आप किसी की दूसरी की डिस्क्रिप्शन से अपनी डिस्क्रिप्शन मोल्ड कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है सारी. ये अपने सामने खोल के रखना है कि इनको देखते हुए क्या सारी चीज़ें आप ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर लें, आपकी डिस्क्रिप्शन बन जाए, तो फिर आप लोग एक टूल है जिसको हम कहते हैं SEO कीवर्ड डेंसिटी टूल, उसमें अपनी डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं. तो यहाँ पर हम लोग गूगल पर जाएंगे, जरा मैं थोड़े टैब्स कम कर लूँ. यहाँ पर गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर आप लोग लिखिएगा कीवर्ड डेंसिटी. जी जी किसी को कोई सवाल है?
आई गेस किसी के शायद सवाल था, अगर किसी का सवाल है तो मुझे अनम्यूट करके बता दे बेशक। अच्छा, जो टूल की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है कीवर्ड डेंसिटी टूल। कीवर्ड डेंसिटी टूल क्या करता है, उसमें आप लोग जब ये जाओगे ना तो ये फर्स्ट लिंक आएगा, उसका नाम है जी seoreviewtools.com पे है कीवर्ड डेंसिटी चेकर। कीवर्ड डेंसिटी टूल लिखोगे फर्स्ट ही आ जाएगा एसईओ रिव्यू टूल्स, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा है जी URL इनपुट टेक्स्ट इनपुट सर्च पेस्ट, तीन ऑप्शन हैं। आपने यहाँ से टेक्स्ट इनपुट सेलेक्ट करना है और अपना जो भी आपने डिस्क्रिप्शन लिखा है उसको आपने कॉपी करना है और यहां पर आकर टेक्स्ट एंट्री और टेक्स्ट के अंदर कॉपी एंड पेस्ट करके पेस्ट कर देना, ठीक है। और यहां से आप लोग अपनी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह एक दफा देखना, बाकी ओके है सारा। आप यहां से आई एम नॉट अ रॉबर्ट वाला ये चेक कर रहे हैं जी, चिमनीज को सिलेक्ट कर रहे हैं। और जब आपके कन्फर्म है, जब आप परफॉर्म चेक करेंगे, इसका मैं पहले आपको फ़ायदा बता दूं, इसको चेक करने से पहले इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको बताएगा कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कौन से कीवर्ड्स कितनी दफ़ा यूज़ हुए, क्योंकि हमें कभी कभार आइडिया नहीं होता, हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि कितने कीवर्ड्स कौन सी दफ़ा यूज़ हुए हैं, फिर ये हमें बताएगा कि आपके कौन से कीवर्ड्स के सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन कीवर्ड्स बने। तो आइए देखते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। आपने जब सर्च किया तो यहाँ पर सबसे पहले वो बता रहा है वन वर्ड फ्रेजेस, तो यहाँ पर बुल का एक जो कीवर्ड है वो बहुत दफा यूज हुआ है और मुझे भी पता क्यों यूज हुआ है, तो मैंने अब चेक करना है कि हमारे इस डिस्क्रिप्शन में बुल का कीवर्ड क्यों यूज हुआ है। जो कि वैसे नहीं हुआ, इनको शायद थोड़ी सी इसमें ग्लिच आ रहा है। अच्छा, फैशन का कीवर्ड उसने बताया कि मेरा 6 दफ़ा यूज़ हो रहा है। आपका कीवर्ड जो आप, क्योंकि फैशन आपके मेन कीवर्ड से रिलेटेड था और सिग्नेचर भी आपके मेन कीवर्ड से रिलेटेड था, तो 4 तो आपके तकरीबन 3 से 5 टाइम्स मेंशन होने चाहिए। लोगों का कीवर्ड 3 दफ़ा यूज़ हो रहा है, लग्जरी का कीवर्ड, ये भी हमारा अच्छा एक कीवर्ड था, ये भी 3 दफ़ा यूज़ हो रहा है। हैंड रिटन का कीवर्ड 2 यूज़ हो रहा है, ब्यूटी का कीवर्ड 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है, बिजनेस भी एक अच्छा कीवर्ड है, 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है। अब जो हमारा टू वर्ड फ्रेजेस यानी कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे जब येलो आ जाता ना बना हुआ, तो कहते हैं हाई डेंसिटी है, 3 से ज्यादा जो भी वो हाई डेंसिटी कहते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 5 तक हो दैट वुड बी फाइन। अब फैशन सिग्नेचर का कीवर्ड बन रहा है 2 दफा, ये अब टू वर्ड फ्रेजेस बता रहा है कि टू वर्ड कॉम्बिनेशन आपके कौन से ज्यादा बन रहा है। फैशन सिग्नेचर का बन रहा है 2 दफा, सिग्नेचर लोगों का कीवर्ड 2 दफा बना है, लग्जरी ब्यूटी का बुल पता नहीं मैंने यूज नहीं किया, लेकिन ये क्यों पिकअप कर रहा है। फैशन आर्टिस्ट का कीवर्ड 1 दफा यूज हुआ है, आर्टिस्ट पर्सनल पर्सनल सिग्नेचर सिग्नेचर बेस्ट बेस्ट ब्रांडिंग ब्रांडिंग डिजाइन। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ब्रांडिंग डिजाइन एक कीवर्ड अच्छा है, पर्सनल सिग्नेचर एक कीवर्ड अच्छा है, तो ये कीवर्ड बन रहा है। फिर उसके बाद फैशन सिग्नेचर लोगो जो हमारा मेन कीवर्ड है ये 2 दफा यूज हुआ है, ये 3 दफा यूज होना चाहिए था, तो ये गलती है इसमें, 3 दफा यूज होना चाहिए था, हमारे रूल्स के खिलाफ चल रहे हैं। सो फैशन सिग्नेचर लोगो हमारा 3 दफा यूज होना चाहिए था। अब ये 3 दफा यूज हो रहा है, 1, 2 और 3, ठीक है, एटलीस्ट 3 दफा यूज होना चाहिए। लग्जरी ब्यूटी और स्किन केयर का कीवर्ड ये पता नहीं कीवर्ड कहाँ से आया। फैशन आर्टिस्ट पर्सनल सिग्नेचर सिग्नेचर बेस्ट ब्रांडिंग डिजाइन डिजाइन लग्जरी ब्यूटी, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके इन कॉम्बिनेशन से बन रहे, तो मुझे कुछ अच्छे भी लग रहे हैं, कुछ थोड़े से जो है ना हमें सही करने वाले हैं, तो हम आके डिस्क्रिप्शन में, अगर हमें कुछ कीवर्ड्स अजीब से लग रहे हैं तो हम आके डिस्क्रिप्शन में आएंगे और उसको हम एडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देखता हूँ जी कौन से कीवर्ड है जो कि
सही नहीं है. मे बी ये जो बुलेट पॉइंट्स है इसकी वजह से वो बुल को कॉपी कर रहा है, यानी बुल कीवर्ड को. ज्वेलरी की स्पेलिंग गलत है इसलिए उसको उसने पिक नहीं किया. तो इस तरह हम लोग आके ना अपनी चीज को थोड़ा सा फाइनलाइज करते हैं. कीवर्ड डेंसिटी टूल हमें बताता है कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है क्या उसमें से कुछ समझदार कीवर्ड्स निकल भी रहे हैं कि नहीं, क्या लोग उसको सर्च करेंगे भी कि नहीं. अब सर्च करके देखते हैं. स्पेलिंग मिस्टेक एक दफा प्लीज आप लोगों ने चेक कर लेनी है. स्पेलिंग मिस्टेक इसमें कुछ गलत है. अब देखें वो बुल का कीवर्ड चला गया, मेरे ख्याल से बुलेट पॉइंट्स की वजह से जो है ना मुझे वो दे रहा था. फैशन का कीवर्ड 6 दफा यूज हुआ हुआ है. अब देखें आपके कीवर्ड्स, ब्यूटी का 2 दफा यूज हुआ हुआ है. फैशन अब ये ठीक है, 3 फैशन सिग्नेचर और सिग्नेचर लोगो ये 3 दफा हो गया. दैट इज परफेक्टली फाइन नाउ. अब फैशन सिग्नेचर लोगो का कीवर्ड भी 3 दफा यूज हो गया तो ये हमारे लिए बेहतर है. तो अब हमारी डिस्क्रिप्शन हमने ये टेलीवाइज की है, सारी चेक की है, तो हम इस डिस्क्रिप्शन के साथ आगे बढ़ सकते हैं. इस तरह आप लोग ने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है. उसके बाद आप लोगों का आता है रिक्वायरमेंट सेक्शन. बेसिकली चौथा सेक्शन आपका रिक्वायरमेंट सेक्शन होता है और इमेज सेक्शन होता है कि आपने जो इमेज अपलोड करनी है अपनी वो किस तरह की करनी है. जो ये आपकी इमेज है, इमेज के लिए देखें मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग सबसे सिंपल एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है कैनवा. इसके ट्यूटोरियल्स भी आप लोग देख सकते हैं और इसको आसानी से आप लोग इसमें कुछ मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन भी बना सकते हैं अगर आप यूट्यूब पर जाएं. तो ये देखिएगा आपको कैनवा के पूरे घंटे का जो है ना आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा. अगर आप यही देख लें तो आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि कैनवा पे आप किस तरह डिजाइन बना सकते हैं. फाइबर की फर्स्ट इमेज बनाने के लिए आप कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हो. ऑब्वियसली हमारे पास ज़्यादा टाइम होता तो हम लोग इलस्ट्रेटर को सीख पाते हैं, बट मैं आप लोगों को यही रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप लोग कैनवा को यूज़ कर सकते हैं. आप लोग ये ट्यूटोरियल देखेंगे आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ जाएंगी. ये है नेटलिया किलिंस का एक यूट्यूबर है, उसका 1 घंटा 40 मिनट की जो है क्लास है कैनवा पे, तो ये आप देख सकते हैं. बाकी भी कुछ यूट्यूबर्स हैं उनकी तकरीबन 12-12, 13-13 मिनट की हैं, लेकिन आप यहाँ पर लिख सकते हैं कैनवा फुल कोर्स. तो यहाँ पर आप लोगों को कैनवा ट्यूटोरियल्स आपको पूरे पूरे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे 44 मिनट का है, 1 आवर का. तो यहाँ से आप लोग कैनवा को जो है ना आप लोग सीख सकते हैं. इट्स प्रीटी इजी. तो जो आपकी फाइवर की जो गिग इमेज है वो कैनवा की मदद से आप बनाएंगे. तो अब जब हम ये सारी चीज़ें फाइनलाइज कर लेते हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन, अपनी प्राइसिंग, अपनी टाइटल, फिर हम अपनी गिग बनाते हैं. अब गिग बनाने के लिए मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि गिग किस तरह हम लोग बनाएंगे. आप लोग से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों ने अपना जो वो जब क्रिएट न्यू गिग पे आप क्लिक करते हैं तो आप लोगों ने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है, अपनी ईमेल वेरीफाई करनी है, अपना नंबर वेरीफाई करना है. वो जिन लोगों ने लास्ट में लेक्चर लिया है उन्होंने इस वीक तक, इस लेक्चर तक अपनी फाइवर की जो सारी वो वेरिफिकेशन है वो करवा ली होंगी, इंक्लूडिंग योर ईमेल, योर नंबर, ताकि आप लोग ने जब गिग बनानी है तो उसके लिए आपको वो नंबर वेरीफाई करवाना ज़रूरी है. अच्छा, जब आप अपनी फॉर एग्जांपल अपनी प्रोफाइल वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर फाइबर पर, अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह, प्रोफाइल पिक्चर वगैरह, तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू गिग का. तो आप क्रिएट न्यू गिग पे जब क्लिक करोगे तो, और जब आप अपना नंबर वगैरह वेरीफाई कर लोगे तो उसके बाद आपको ना वो इस पेज पर ले आएगा कि अब आप अपनी गिग बनाना शुरू कर दो. तो अब इस प्रोसेस को देखते हैं, जो भी हमने सारी अभी मेहनत की है वो इस पर हम लोग किस तरह यूटिलाइज करेंगे, यहाँ पर हम लोग ने किन चीज़ पे ध्यान देना है, किन चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, तो उसको हम देखते हैं और फिर फाइनली इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग की तरफ चलेंगे और आप लोग का फाइबर का तकरीबन जो है ना गिग बनाने का जो है ना सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. इसके अलावा बाय रिक्वेस्ट भी है, उसके रिलेटेड मैं आप लोग को ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगा कि वो किस तरह आप लोगों ने उस पर काम करना है. लेकिन जो मेन गिग बनाने का प्रोसेस है या गिग को रैंक करने का प्रोसेस है वो हमने इन 2 क्लासेस में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट रहेगा.
तो अब हम अब हमने सारी अपनी रिसर्च कर लिया, अब हमने अपनी गिग बनाना शुरू कर लिया। तो यहाँ पर आप अपना टाइटल लिखते हैं, गिग टाइटल, इसमें आई विल ऑलरेडी लिखा होता है, आपने आगे से लिखना होता है जो भी आपका होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा टाइटल क्या था, हमारा गिग टाइटल था अगर आप लोग को याद हो, ये आई विल नहीं मैं कॉपी करता बिकॉज ये ऑलरेडी लिखा होता है। तो यहाँ से डिजाइन को मैं कॉपी कर लिया और यहाँ पे लिख लिया आई विल डिजाइन लग्जरी ब्यूटी स्किन केयर एंड फैशन सिग्नेचर लोगो। आपने यहाँ पे लिखा लिखा रहा है, परफेक्ट टाइटल है, इसमें बहुत ज्यादा कीवर्ड्स भी नहीं है एंड इट इज गुड टू गो। बट हम लोग बिफोर ये टाइटल हम लोग यहाँ पर लिखें, हम लोग अपने फाइवर की मजीद गिग की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए हम लोग एक ट्रिक यूज करते हैं। एक टिप आप लोगों में देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब भी आप यहाँ पे फर्स्ट पेज पर हों, बिल्कुल आपने फर्स्ट पेज पर आए हैं, तो आपने यहाँ पे गिग टाइटल पे अभी अपना ये वाला टाइटल नहीं कॉपी करके लिखना जो मैंने अभी किया। आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने बेसिकली इस गिग टाइटल में हमारे पास 80 लेटर्स लिखने की कैपेसिटी है, तो हम लोग यहाँ पर हमारे पास जितने भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड देखें, हम लोग ने आपने एक चीज नोटिस की है कि हम लोगों ने यहाँ पर जो टाइटल था उसमें ये भी इम्पोर्टेंट कुछ कीवर्ड्स हैं, हैंड रिटन, ज्वेलरी, ब्रांड, बुटीक, ये हम क्यों नहीं यूज कर पाए, बिकॉज टाइटल में लिमिटेड कीवर्ड्स ही इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन हम लोग एक ट्रिक ये यूज करेंगे कि हम लोग यहाँ पर अपना टाइटल लिखने से पहले, जो मेन टाइटल है वो लिखने से पहले, हम लोग यहाँ पर एक ऐसा टाइटल बनाएंगे जिसमें हम लोग सारे जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं ना वो लिखते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई विल डिजाइन लग्जरी भी इम्पोर्टेंट था, स्किन केयर भी इम्पोर्टेंट था, ब्यूटी भी इम्पोर्टेंट था, उसके बाद हैंड रिटन, एक साथ लाइन में लिखते जाएंगे, कोई सीक्वेंस ना हो बेशक, हैंड रिटन, उसके बाद ब्रांड, उसके बाद कौन सा कीवर्ड मिस आउट होता, बुटीक का। आप वो जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है ना जो आप टाइटल में नहीं ऐड कर पाए वो भी आप लिखते जाओ, बुटीक का कीवर्ड था, ज्वेलरी का कीवर्ड था, ज्वेलरी का कीवर्ड था, अभी आप आगे लिख सकते हो लोगो, ठीक है। तकरीबन आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने सारे टैग्स आपके बन गए और आपकी लिमिट भी अब खत्म हो गई है। तो आपने सबसे पहला जो, जैसे ही आप गिग बनाने की तरफ जाओगे ना ओवरव्यू सेक्शन में, तो आपने सबसे पहले ये वाला टाइटल लिखना है बजाय जो आपका फाइनलाइज टाइटल था ये वाला लिखने का। इसकी मैं वजह बताऊंगा आपको। आपने टाइटल लिख लिया, आपको एरर भी दे रहा है, कह रहा है कि शॉर्टर टाइटल ज्यादा बेहतर होते हैं, कोई बात नहीं, बस आपने मेक श्योर करना है कि 80 कैरेक्टर से आपका टाइटल कम हो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे, आप लोगों को सजेस्टेड कैटेगरीज आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कैटेगरी और सब कैटेगरी सेलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है रादर के आप खुद ढूंढते रहें, बिकॉज आप जो टाइटल रखते हो उसके बेसिस पे वो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करता है। आपने सिंगल क्लिक करना है आपकी कैटेगरी यहाँ पे और सब कैटेगरी, दिस इज मेन कैटेगरी, दिस इज सब कैटेगरी, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको चीजें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगो बना रहे हैं तो लोगो की कुछ मुख्तलिफ टाइप्स हैं, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ जी। मैं हम लोग, आपको याद होगा यहाँ पे हम सिग्नेचर लोगो बेच रहे हैं, राइट, ठीक है। यहाँ पर हम फैशन सिग्नेचर लोगो बेच रहे हैं, राइट, तो यहाँ से हम लोग स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं सिग्नेचर। वो आपको आइडिया हो जाता है जो आपने टाइटल रखा होता है उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देते हैं, और फाइल फॉर्मेट्स आप सारे सेलेक्ट कर लें। अच्छा, जो आपका ये टैग्स है ये आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप किसी भी गिग को सर्च करते हैं तो जब आप किसी भी गिग को यहाँ पे सर्च करेंगे तो उसके एंड पर यहाँ पर आपको टैग्स नजर आएंगे, रिलेटेड टैग्स। इनको भी आप किस तरह सर्च आउट कर सकते हैं, इनको भी आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि जी हम कौन से टैग्स का इस्तेमाल करें, इसके लिए भी आप वो वाली ट्रिक यूज कर सकते हैं कि आप 20 से 25 सेलर के टैग्स को कॉपी करें और जो रेपिटेटिव टैग्स हैं वो अपने पास लिख लें। शायद हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट इस तरह का पड़ा हो, हाँ, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ये टाइटल है तो हमने अदर सेलर्स की कीवर्ड्स को यहाँ पे इस तरह कॉपी किया सबको, और फिर हमने उसमें से रेपिटेटिव टैग्स जो है ना हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया कि सिग्नेचर इतनी दफा यूज हो रहा है, लग्जरी इतनी दफा, फोटोग्राफी इतनी दफा, जो भी है। कुछ रूल्स होते हैं टैग सिलेक्शन के, यहाँ पर आप लोग 5 टैग सिलेक्ट कर सकते हो। ये छठा टैग लोगो मेकर का ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, 6 नहीं कर सकते, 5 कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा।
अब इसके कुछ रूल्स हैं इनके भी, यहाँ पर आप लोग देख लें कि जो पहले दो टैग्स हैं वो आपके टाइटल में से हो सकते हैं, जो आपका टाइटल यहाँ पर आप लोगों ने फाइनलाइज किया, नॉट दैट वन। ये जो अभी मैंने टाइटल लिखा ये फर्जी है, ये अभी बाद में आप चेंज कर दोगे। ये मैं वजह बताता हूँ इसको मैंने क्यों लिखा है। आपका बेसिकली मेन टाइटल यही है जो आपने यहाँ पे फाइनलाइज किया। आपके जो टाइटल में जो टैग्स हैं वो आप तकरीबन दो यूज कर सकते हो, उसमें से फर्स्ट टू टाइटल में से हो सकते हैं। अब रह गए आपके तीन टैग्स, जो आपके तीन टैग्स हैं वो यूज होने चाहिए जो कि आपके टाइटल में ना हुए हों। जिस तरह बुटीक आपके टाइटल में यूज हुआ, आपके टाइटल में ज्वेलरी यूज नहीं हुआ, आपके टाइटल में हैंड रिटन यूज नहीं हुआ, तो मैं वो यूज कर सकता हूँ। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने टाइटल में यूज किया, तो अगेन ये आपका टाइटल नहीं है, ये आपका चेंज हो जाना है। ये अभी सिर्फ पहले स्टेप के लिए हमने इसको डाला है, मैं इसकी वजह बताता हूँ क्यों हमने इसको ऐड किया। तो पहले दो टैग्स हो जाते हैं कि फैशन और सिग्नेचर। आप टैग्स किस तरह ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिखते जी फैशन, और हो सकता है आपको नीचे कुछ टैग सर्च के लिए आ जाए, आप उसमें से भी क्लिक कर सकते हैं, या अपना टैग आप बनाना चाह रहे हैं, आपने एंटर किया आपका अपना टैग बन गया। सिग्नेचर सर्च किया मैंने, सिग्नेचर लोगो, एंटर, अपना टैग बन गया। ये दो टैग्स हो गए मेरे, हमारा जो मेन टाइटल था उससे, ठीक है, फैशन और सिग्नेचर लोगो। अब मैं कुछ ऐसे टैग्स ऐड करूंगा जो कि मे बी टाइटल से ना हो, इस तरह हैंड रिटन हो गया, उसके बाद बुटीक हो गया। स्पेलिंग आपकी करेक्ट होनी चाहिए। जी मेरे ख्याल से शिकान म्यूट हुआ है। जी आई विल शेयर दी स्लाइड्स। और आवाज का आप लोग को वाकई लो आ रही है अभी तक, आर यू गाइस श्योर? मुझे कोई कंफर्म कर सकता है वॉइस पर? मुझे प्लीज वॉइस का कंफर्म कर दीजिएगा कि अगर लो आ रही है तो उस पर। बिल्कुल ठीक आ रही है, वॉइस का कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, ऑल राइट, आगे कंटिन्यू करते हैं हम। यहाँ पर अब आप लोग के पहले दो टैग्स हो गए आपके टाइटल से, आगे जो तीन टैग्स आप सर्च करोगे वो आप जो हम यहाँ पे रेपिटेटिव कुछ कीवर्ड्स हमारे आए हैं, कॉस्मेटिक्स का हो सकता है, जो वो तो हमने यूज कर लिया। इस तरह ये रेपिटेटिव थे, हैंड रिटन, बुटीक, ज्वेलरी, इनमें से आप यूज कर सकते हो, या आपके जो रिलेटेड सजेस्टेड टैग्स है इनमें से भी यूज कर सकते हो आप। इस तरह मोनोग्राम लोगो हमने कहीं पर भी यूज नहीं किया, तो इसको मैं यूज कर सकता हूँ। ये एक टैग इसके साथ आया हुआ है, तो मैं ये भी यूज कर सकता हूँ। अच्छा, अब देखिएगा क्या होगा। बेसिकली हम लोगों ने ये सारे इकट्ठे मिलाकर टैग्स यूज कर लिए, हमारा टाइटल बड़ा अजीब सा लग रहा है। उसकी वजह यह है कि जब मैं यहाँ पे सेव कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा ना, तो हमारी इस गिग का एक URL क्रिएट हो जाएगा। URL क्या होता है? URL जिस तरह आपको YouTube वीडियो चढ़ाते हैं, तो हर YouTube वीडियो का एक स्पेसिफिक URL होता है, या हर गिग का, या हर किसी भी वेबसाइट का एक स्पेसिफिक URL होता है। तो हम लोग जब पहली दफा अपना टाइटल लिखते हैं ना, और जब सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, तो हमारा यहाँ पर देखिएगा एक URL बन जाएगा। ये देखें, ये बन गए URL जिसमें हमारे टैग्स आ गए, डिजाइन, लग्जरी, स्किन केयर, ब्यूटी, हैंड रिटन, बुटीक, फैशन, सिग्नेचर, लोगो। ठीक हो गया। अब हम दोबारा से ये प्राइसिंग सेक्शन में, अगले सेक्शन में आ गए, हमने इस पर अभी कोई काम नहीं करना, हम दोबारा से पीछे आ जाते हैं। हम यहाँ से आ जाते हैं जी ओवरव्यू पर, ओवरव्यू पर हम दोबारा आ जाते हैं। अब हम अपने इस टाइटल को डिलीट करेंगे, अब हम अपना ओरिजिनल टाइटल ऐड करेंगे जो हमारा था, जो हमने यहाँ पे फाइनलाइज किया था। ठीक है, एंड विल सेव एंड कंटिन्यू, और हमारी देखें URL पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हम दोबारा से पीछे जाते हैं, अब हमारा ये वाला टाइटल फाइनलाइज्ड है, लेकिन जो हमने पहली दफा टाइटल रखा था उसका हमारा एक फाइनल पक्का URL बन गया। अब इसका फायदा क्या हुआ,
फायदा इसका ये हुआ, ऑल्दो हमारे इस टाइटल में टैग बुटीक नहीं है, हैंड रिटन नहीं है, लेकिन हमारे यूआरएल में तो आ गया ना, तो अगर कोई सर्च करता है बुटीक फैशन लोगो तो हमारे यूआरएल में भी टैग आ गया, तो उससे भी हमारी गिग सर्च हो सकती है। तो मैं आपको देखिए वो सारे तरीके बता रहा हूँ कि किससे किन किन चीजों से आपकी जो गिग है वो ज्यादा से ज्यादा सर्च हो सकती है। समझ में लगी आपकी बात को? ये जो टैग्स होते हैं इसमें मैंने मोनोग्राम लोगो बिल्कुल डिफरेंट क्यों यूज किया? अगर कोई सर्च करता है फैशन मोनोग्राम लोगो, तो फैशन आपके टाइटल में है और यूआरएल में है, और मोनोग्राम लोगो या फॉर एग्जांपल कोई सर्च करता है स्किन केयर, मोनोग्राम लोगो, स्किन केयर इधर कहीं पर भी नहीं है, इधर है और इधर है। तो अगर कोई सर्च करता है स्किन केयर मोनोग्राम लोगो, तब भी आपकी गिग सर्च इंजन में शो हो सकती है, बिकॉज स्किन केयर आपके टाइटल में है और मोनोग्राम लोगो आपके टैग में है, तो यहां से भी कॉम्बिनेशन बन जाता है। सो आपने ये नहीं सोचना कि जो आपने रिलेटेड टैग्स यूज किए उनका आपके टाइटल के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, या आपके जो रिलेटेड टैग्स हैं उनका आपके यूआरएल के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, हर चीज का आपस में कॉम्बिनेशन बनके टैग आपस में बनेंगे। सो आपने ये वाले स्टेप्स इसी तरह फॉलो करने, जब आप पहली दफा ओवरव्यू पेज पर आएंगे आपने मैक्सिमम टैग्स ऐड करना, सेव एंड कंटिन्यू करना, दोबारा से पीछे आना है, आपका यूआरएल बन चुका होगा, फिर आपने अपना ओरिजिनल टाइटल यहां पर ऐड करना। लेकिन उसके साथ अब आपको ना ये ऑप्शन पहले नजर नहीं आ रहा था, अब ये एक और ऑप्शन है अपनी गिग की एसईओ को मजीद बेहतर करने का, अपग्रेड एसईओ। अब ये कह रहा है आप एक और टाइटल यहां पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो टाइटल छोटा सा होगा और इसमें आप वो वाले टैग्स ऐड करें जो कि आपको लग रहा है कि मजीद और लेफ्ट आउट हो चुके हैं, या मजीद जिन पे आप अपनी रैंकिंग करवाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं स्किन केयर, फैशन और ब्यूटी पे तो ऑलरेडी करवा चुका हूँ, यहाँ से भी बुटीक और फैशन में बुटीक पे भी करवा चुका हूँ, हैंड रिटन पे भी करवा चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से मोनोग्राम लोगों में हो सकती है। और मोनोग्राम लोगों की इतनी प्रमोशन हमने नहीं की, सिर्फ टैग्स में एडेड है, ठीक है। और कोई टैग हमें इम्पोर्टेंट लग रहा हो तो वो हम यहाँ पे उसका टाइटल बना सकते हैं, ज्वेलरी का टैग है, ब्रांड है, तो मैं यहाँ पर एक टाइटल बना सकता हूँ, आई विल डिजाइन ज्वेलरी एंड सिग्नेचर लोगो। ज्वेलरी की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, इसकी करेक्टर लिमिट 50 है, छोटा सा होता है टाइटल, और ये टाइटल आपका किसी को नजर नहीं आएगा, मेन टाइटल आपका ये वाला नजर आएगा, ये सिर्फ आपकी रैंकिंग को मजीद बेहतर करने के लिए है, क्योंकि ज्वेलरी और ये ज्वेलरी मोनोग्राम, सॉरी हमने फाइनलाइज किया, ज्वेलरी मोनोग्राम सिग्नेचर लोगो। सो ये अब हम लोगों ने ये भी एक टाइटल ऐड कर दिया, यूआरएल में भी कीवर्ड ऐड कर दिया, यहाँ पे भी हमने सर्च करके अच्छे कीवर्ड्स ऐड किए हैं, तो हमारी आधी रैंकिंग का बंदोबस्त हो चुका है, हमने आधी रैंकिंग अपनी कर ली। अब मैं चाहता था आप लोगों को कह देता जी हाँ जी ये टाइटल है, ये आप एसईओ टाइटल करना चाह रहे हैं कर लें, टैग्स अपनी मर्जी से ऐड कर लें, लेकिन मैं आपको एक पूरा प्रोसेस इसलिए बताया है डिटेल में कि आप लोग जब गिग बनाने के लिए उतरे हैं तो आपको वो पहले 5-6 महीने की खौरी ना करनी पड़े जिसमें आपको ऑर्डर नहीं आता, फिर आप उससे सीखें। ये जो मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई ये मैंने पूरा साल खौरी करके अंडरस्टैंड की है कि चीजें शुरू में जब फ्रीलांसिंग शुरू की थी ये चीजें होती हैं भाई जिससे रैंकिंग बढ़ती है। मैं भी ऐसे ही करता था, इधर से टाइटल उठाया, उधर से कीवर्ड उठाया, इधर से इमेजेस उठाई, चलो जी गिग बन गए और बैठे हैं जी गिग पे आ रहे हैं ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, फिर सीखा उसको देखकर। तो आप लोगों ने इस लेक्चर को जो है ना काफी सीरियसली लर्न भी करना है, अगर आप बाद में रिकॉर्डिंग भी देखते हैं तो इन चीजों को आप लोगों ने काफी सीरियसली परफॉर्म करना है जब भी आप अपनी गिग बनाएंगे। उसके बाद आपका प्राइसिंग आ जाता है, प्राइसिंग में आप लोग बेसिकली अगेन आप लोग ने जो अपनी रिसर्च की होगी दूसरे सेलर्स की प्राइसिंग को कॉपी करके उनको आप यहाँ पे कॉपी, मैं किसी की अभी फिलहाल कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ, डायरेक्ट कॉपी नहीं करनी आपने, अपनी लिखनी है, बट अभी क्योंकि वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम सो आई विल जस्ट यू नो मैं नेम दे देता हूँ जी, ये स्टार्टर पैक है, एक बिल्कुल छोटा सा पैकेज है, इसको मैं कह देता हूँ जिसमें दो लोगोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस तरह आप इसका ब्रांड, इसका नेम रख सकते हैं
ऑल्दो इनका ये फाइवर की समझ जाती है, ऊपर नेम ऑलरेडी लिखा हुआ है पैकेज का, लेकिन फिर भी यहाँ पे नीचे वो कहते हैं नेम, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ जी रेकमेंडेड। और इसका नाम रख लेता हूँ जी प्रीमियम पैक, यानी ये सबसे प्रीमियम है, इसमें आपकी सबसे ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, सिर्फ चार लोगो, सोशल मीडिया किट, सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी टाइम आप सिलेक्ट करते हैं, डिलीवरी टाइम बेसिक और स्टैंडर्ड का आपने सिलेक्ट करना है 1 डे और प्रीमियम का सिलेक्ट करना है 2 डे, बट इट डिपेंड्स ऑन द स्किल्स एज वेल। डिजाइनिंग में इतना ही चलता है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेबसाइट डेवलपर हैं या उसमें फिर आपको सर्च करनी पड़ेगी कि लोग कितनी ज्यादा जल्दी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट एक ऐसी चीज है जो कि टाइम के साथ बनती है, या ऐप ऐसी चीज है जो कि टाइम के साथ डेवलप होती है, तो ये डिपेंड करता है फ्रॉम सर्विस टू सर्विस। अगर आप डिजाइन की बात करें तो उसमें ये चलता है। और उसके बाद रिविजन्स अनलिमिटेड आप लोगों ने देनी है। अनलिमिटेड रिविजन्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर बायर को कोई चीज नहीं पसंद आई तो आप उसको दोबारा रिवाइज करके देता। अब इसमें आपके पास दो किस्म की रिविजन्स होती हैं, एक आपकी होती है मेजर रिविजन, एक होती है आपकी माइनर रिविजन। मेजर रिविजन ये होता है कि क्लाइंट ने आपसे लोगो बनवाया या क्लाइंट ने आपसे आर्टिकल लिखवाया, क्लाइंट कहता है कि मुझे ये आर्टिकल बिल्कुल पसंद नहीं है, आप दोबारा से शुरू से लिखें, तो वो मेजर रिविजन होती है। तो मेजर रिविजन आप किसी भी गिग में एक या दो दफा दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जो अनलिमिटेड होती है वो माइनर रिविजन होती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक किसी ने अगर कोई कलर चेंज कराना है छोटा सा, वो छोटी सी रिविजन है, या अगर आपने आर्टिकल की हेडलाइन चेंज करवानी है, आर्टिकल का लेआउट थोड़ा सा चेंज करवाना, तो वो एक छोटी सी रिवीजन है, वो आप अनलिमिटेड दे सकते हैं, बट नॉट द मेजर रिविजन्स। यहाँ पे आप लोग फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लोगो दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मेंशन किया, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा एक लोगो, यहाँ से दो, यहाँ पे चार दे रहा हूँ तो चार। और यहाँ पर हर सर्विस की अपनी ये ना वो होगी एक्स्ट्रा एक्स्ट्राज, इनको हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं कि उसके साथ अब क्या चीज़ प्रोवाइड करेंगे। अब लोगों के साथ प्रोवाइड की जाती हैं, कुछ फाइल्स प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। उनको अंडरस्टैंड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो भी आपकी स्किल होगी आप जब उसको अंडरस्टैंड कर लोगे, कोई ट्यूटोरियल देखोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि व्हाट आर दीज थिंग्स। यहाँ पर आपने प्राइसेस लिखनी है, फॉर एग्जांपल पहला पैकेज में $5 का रख लेता हूँ, दूसरा $20 का, और फाइनल $50 का। उसके अलावा मजीद और एक्स्ट्राज आपकी होती हैं कि जिस तरह फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, आपका ये तो पहले ही एक्स्ट्रा फास्ट हम दे रहे हैं एक एक दिन की, ये वाली हम 2 दिन की दे रहे हैं, तो इसकी हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से प्रीमियम पैकेज की 1 दिन की डिलीवरी। जितने आपकी पैकेज की प्राइस है उससे हाफ प्राइस रख लें, ये मैं जी $25 एक्स्ट्रा लूंगा या लूंगी अगर आप मुझसे 1 दिन में ये वाला पैकेज डिमांड करते हो। जिस तरह आप यहाँ PCS वगैरह में जाएँ तो वहाँ पर डिलीवरी के आपसे क्विक डिलीवरी के ऑब्वियसली आपसे एक्स्ट्रा पैसे वो चार्ज करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग इसी तरह ही करेंगे। उसके अलावा एडिशनल रिवीजन, अगर उन्होंने आपसे मेजर रिवीजन कोई करवानी है तो उसके आप कहेंगे जी मैं $10 या $5 आप एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, या 1 डे और आप उसको चार्ज करेंगे। एडिशनल लोगो बनवाना है तो मैं उसको कहूंगा मैं $5 आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, एंड स्टफ लाइक दैट। आप आगे यहाँ से स्टेटमेंट कंटिन्यू पे जाएंगे। उसके बाद आपकी जो फाइनल डिस्क्रिप्शन होगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे, जो आपने सारी SEO टूल से अपनी जो है ना डिस्क्रिप्शन को फाइनलाइज किया है, इसको आप यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे लिख देंगे, उसमें जरा स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है उसको आप करेक्ट कर लें। यहाँ पर ना आपके पास ऑप्शंस हैं ये बोल्ड करने के, फॉर एग्जांपल किसी को अगर आपने बोल्ड करना है तो उसको आप इस तरह सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं और ये हाईलाइट कर सकते हैं। तो हाईलाइट आपने हर चीज़ को नहीं कर देना, हाईलाइट आपने आप जो मेन चीज़ है उसको आप करिएगा और उसी को बोल्ड कीजिएगा। तो यहाँ से आप उसके बाद यहाँ पे FAQs हैं। FAQs होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि फॉर एग्जांपल इस सर्विस से रिलेटेड लोग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन कौन से करते हैं, जिस तरह जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, तो वो आप कहीं से भी कॉपी, जो आपके जहाँ से आपने गिग्स ओपन की हुई है ना, जिनसे आप डिस्क्रिप्शन या उनकी टाइटल्स कॉपी कर रहे हैं या प्राइसिंग कॉपी कर रहे हैं, उन्हीं ने FAQs भी ऐड किए होते हैं। आप इसके यहाँ से FAQs कॉपी करके अपने पास लिखना, कोई इसमें कोई कॉपीराइट क्वेश्चन नहीं आएगा आपको।
डिस्क्रिप्शन आप एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकते, वो आपने खुद से लिखनी है मोल्ड करके, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। FAQs इस तरह आप ऐड कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया ऊपर और नीचे आपका आंसर हो गया। सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद बेसिकली रिक्वायरमेंट्स का सेक्शन होता है। रिक्वायरमेंट्स के सेक्शन में आप लोग ये होता है कि आप लोग क्लाइंट से ऑर्डर, अगर आपने क्लाइंट ने आपको हायर किया है, कहता है जी मुझे लोगो चाहिए या मुझे आर्टिकल चाहिए या मुझे बिजनेस कार्ड डिज़ाइन चाहिए, मुझे वेबसाइट चाहिए, तो उससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि भाई हमें पहले आप ये इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करें तो फिर हम आपका लोगो बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लोगो के केस में यहाँ पर आपने ये एड क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे, किसी भी गिग के केस में आप यहाँ पे ऐड क्वेश्चन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप उससे सवाल पूछेंगे कि इसी तरह आपने टेक्स्ट लिखना है, हेलो बायर, बिफोर वी स्टार्ट आवर प्रोसेस प्लीज प्रोवाइड the following information, यानी हम before आप मुझे order place करें आपको मुझे ये information provide करनी पड़ेगी, हम ये buyer से कह रहे हैं। So आप उससे सवाल पूछ, for example लोगों के केस में क्या क्या सवाल हो सकते हैं मैं बता देता हूँ कि business name तो पहले आप बताएं कि आपका business name क्या है, ठीक है, आपका business background क्या है, आप किस background से आपका ताल्लुक है, बिजनेस आपका बैकग्राउंड है, क्या सर्विसेज आप बेचते हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किन को बेचते हैं वो चीजें, आपकी कलर प्रेफरेंस क्या है, आपको कौन से कलर्स पसंद हैं, आपकी फॉन्ट प्रेफरेंसेस क्या है, आपको कौन से फॉन्ट या टेक्स्ट टाइप पसंद है, होते हैं ना लोगों में फॉन्ट्स वगैरह यूज होते हैं, शेयर इमेजेस ऑफ लोगोज दैट यू लाइक, मतलब मैं उसे कह रहा हूँ कि रेफरेंस के लिए मुझे शेयर करो कौन से आपको लोगों की। अब इसी तरह आप वेबसाइट की एग्जांपल ले लें, अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन सर्विसेज की या वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज की आप गिग बना रहे हैं तो आप कह सकते हैं जी मुझे आप अपनी वेबसाइट का बैकग्राउंड बताओ, किस बारे में है वेबसाइट, वेबसाइट का नाम क्या है, क्या उसकी टारगेट ऑडियंस है, वेबसाइट का बैकएंड मुझे बताओ, कोड बताओ, लॉगिन बताओ, जो जो भी होता है, उसके अलावा मुझे ये बताओ कि तुम्हें वेबसाइट में किस किस तरह के वेबसाइट डिज़ाइन स्टाइल तुम्हें पसंद है, मुझे उन वेबसाइट्स के लिंक शेयर करो। इसी तरह आर्टिकल की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आर्टिकल के लिए आप पूछ सकते हैं कि आर्टिकल की थीम बताओ, किस बारे में है, आर्टिकल का नाम क्या रखना है, हेडलाइन क्या रखनी है, इसका जो लेआउट है वो किस तरह रखना है, सिंपल रखना है या मॉडर्न रखना है या प्लेफुल रखना है, इसमें जो हम लोग ने रिसर्च करनी है वो किस चीज़ पर करनी है, ये सवाल आप उससे पूछेंगे पहले। आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, कुछ सवाल सेम ही होंगे, फिर आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि जो रिसर्च पेपर आपको अच्छे लगते हैं, आर्टिकल्स अच्छे लगते हैं, उनको आप मेरे साथ शेयर करें। उससे फायदा ये होता है कि हमें ये आइडिया हो जाता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, जब आप हम उनके ये देख लेते हैं ना कि उनको अगर वो हमें रेफरेंस इमेजेस या रेफरेंस आर्टिकल्स या रेफरेंस लिंक्स और वेबसाइट शेयर कर देंगे, उससे हमारा फायदा ये होगा कि हमें ये आइडिया हो जाएगा कि कस्टमर को क्या पसंद है, वैसे हमें आइडिया नहीं होगा। सो यहाँ पर आप लोगों ने रिक्वायर्ड पे क्लिक करना और इसको ऐड कर देना, ये आपका क्वेश्चन ऐड हो जाएगा, आप इसे सेव एंड कंटिन्यू करें और फिर आप लोगों का सेक्शन आता है फाइनली इमेजेस अपलोड करने का, जो आप लोगों ने इमेजेस अपलोड करनी है यहाँ पर जो कैनवस है आप लोगों ने बनानी है। हम लोग वो बनाना नहीं सीखेंगे अभी बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम और वो एक अलग चीज़ है, उसको सीखना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को जो ट्यूटोरियल रिकमेंड किया है वो आप देख सकते हैं। जब आपकी इमेज बन जाएगी, फॉर एग्जाम्पल कैनवस से आपने इमेज बना ली अपनी, मैं अज्यूम करता हूँ यहाँ पर मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक इमेज है, कुछ मेरे पास इमेजेस पड़ी हुई हैं जो कि मैं एज अ डिज़ाइन के तौर पे लगाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने ये इमेज फाइनल की है, एक ये इमेज फाइनल की है और एक ये इमेज फाइनल की है, फॉर एग्जाम्पल। तो तीन इमेजेस आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, पहली इमेज में ये वाली अपलोड करूँगा। तो आपने जब इमेजेस हमारी फाइनलाइज हो गई हैं तो आपकी, क्योंकि ज़्यादातर PNG या JPG फॉर्मेट में होती हैं,
एक मिनट, लेट्स कीप इट दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, ये तीन इमेजेस हम लोगों ने फाइनलाइज किए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि हम लोग इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अब हम लोग ने कोई रास्ता छोड़ना नहीं है जहाँ से हमारी रैंकिंग मुमकिन ना हो सके। अब मैं जो आप लोगों को चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये चीज़ है कि आप अपनी इमेज के थ्रू भी अपनी SEO कर सकते हैं। वो किस तरह, आप लोग की जो भी फाइनलाइज इमेज हो जाएगी आप लोग उसे मेक श्योर कीजिएगा, बस एक चीज़ याद रखिएगा, आपकी वो फाइल टाइप जो हो जो आपने अपलोड करनी है वो JPG फॉर्मेट होना चाहिए। कैनवास से जो भी चीज़ आपने सेव करनी है वो JPG फॉर्मेट पे करनी है, वो आप ट्यूटोरियल देखेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी, उसमें आप लोगों को बताएंगे वो। तो उस फाइल को आपने राइट क्लिक करना है जो भी आपकी इमेज है, और प्रॉपर्टीज पर जाना है। प्रॉपर्टीज पर जाने के बाद आप लोग ने यहाँ से जाना है डिटेल्स पर। डिटेल्स पर जाने के बाद यहाँ पर आप लोग को ये डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा है जी, टाइटल, सब्जेक्ट, रेटिंग, टैग्स, कॉमेंट्स। टाइटल में आप लोगों ने जो आपकी गिग का टाइटल है ओवरव्यू में, जो मेन आपका टाइटल है, उसको कॉपी करके यहां पर आपने लिख देना। सब्जेक्ट में आप ये SEO टाइटल मेंशन कर सकते हैं, या आप सिर्फ आपका मेन जो टाइटल है फैशन सिग्नेचर लोगो, इसको मेंशन करना। टैग्स में अब आपके ये वाले टैग्स आ जाएंगे, आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पर, फैशन लिखा, आगे इन्वर्टेड कॉमा हुडी बन जाते हैं, आगे सिग्नेचर लोगो है, फिर बुटीक था। स्पेलिंग मिस्टेक टैग्स में नहीं होनी चाहिए, आपका टैग जाया हो जाएगा। हैंड रिटन है, और फिर मोनोग्राम लोगो है। इसी तरह इसी को आप कॉपी करके यहाँ पे नीचे कमेंट्स में भी मेंशन करते हैं बस, बाकी और ओके है सारा, और कुछ नहीं करना। टाइटल, सब्जेक्ट, टैग्स, कमेंट्स, और जो आपका ये जो टाइटल है इसको कॉपी करके जनरल पे जाना है, और जो आपकी फाइल का नेम है उस पर भी वो टाइटल पेस्ट कर देना, एंड देन यू विल सेलेक्ट अप्लाई, ओके। अब ये होगा बेसिकली, यहाँ पर ये हुआ है कि देखें आपकी जो ये इमेज है इसके अंदर टाइटल आ चुका है, और इस इमेज के अंदर बेसिकली अगर आप प्रॉपर्टीज खोलें तो इस इमेज के अंदर हमने सारे टैग्स भी ऐड कर दिए। अच्छा, ये कभी कभार आपको एक दफ़ा चेक करना पड़ता है, ये दोबारा से आपको करना पड़ता है, ये सेव नहीं हुआ मेरा यहाँ पर, अप्लाई नहीं हुआ था एक्चुअली। अब देखें, अब हो गया, ठीक है। तो अब इस इमेज को आप यहाँ पर फाइवर पर गैलरी सेक्शन पर अपलोड करेंगे। अच्छा, ये हमारी फाइल थोड़ी सी बड़ी है, 5 MB से, तो इसलिए अपलोड नहीं हो रही, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल किसी और इमेज को देख लेता हूँ। किसी और इमेज में इस तरह हम डेटा एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, तो इसमें मैं प्रॉपर्टीज में जाके इसमें मैं इसका डेटा एंटर कर सकता हूँ। अप्लाई कर दें, ओके। अब आप इस इमेज को जो है ना रीनेम भी कर दें, कौन सी इमेज थी, ये वाली थी शायद, ओके। वो अप्लाई अप्लाई कभी कभार ना विंडोज का वो एरर देता है, आप दोबारा से करना है इसको। ये वाली इमेज याद रखिएगा, मैं भी याद रखता हूँ। इसमें हम लोग हो गया, और इसका जो नेम है रीनेम करते हैं आप लोग, टाइटल्स है
अब यहां पर मैं अपलोड करता हूं ये वाली इमेज, यहां पर देखिएगा ये आपकी पहली इमेज होगी, उसके बाद आप दूसरी इमेज के साथ भी इस तरह करेंगे, तीसरी इमेज के साथ भी इस तरह करेंगे, उसमें ये डिटेल आप मेंशन करेंगे। और इसका मतलब है कि आपकी जो गिग की जो इमेज है उसके अंदर भी आपने एसईओ की हुई है। फिर जब आप ये कर लोगे, फिर आप ये कंफर्म करते हो कि आपका जो भी काम है आपका ओरिजिनल है, सेव एंड कंटिन्यू करते हो, और फिर आपको पब्लिश का कहता है। लेकिन पब्लिश करने से पहले आप लोगों ने अपना नंबर वेरीफाई कराना होता है, तो उसको वेरीफाई करना है आपने, इसमें मेरा नहीं हुआ हुआ तो। लेकिन आप लोग पब्लिश करने से पहले यहाँ से सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आप लोग देख सकते हो कि आपकी गिग किस तरह दिखेगी, आपकी प्राइसिंग किस तरह दिखेगी, आपकी इमेज किस तरह दिख रही है, आपकी डिस्क्रिप्शन में कोई गलती है तो उसको आप सॉर्ट आउट कर लें, कोई गैप बहुत ज़्यादा है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ भी है, आपके टैग्स में कोई मसला है तो उसको आप लोग सॉर्ट आउट कर लें, आपके एफएक्यू में कोई मसला है उसको आप लोग सॉर्ट आउट कर लें बिफोर पब्लिशिंग इट। पब्लिश करने से पहले आप उसको पहले सॉर्ट आउट कर लें सबको। तो ये है पूरा प्रोसेस गाइस गिग बनाने का, इसमें जो भी रैंकिंग के तरीके थे वो मैंने आप लोगों को बताए हैं, और यहाँ तक ही हमारा आज का लेक्चर है। इससे रिलेटेड कोई भी सवालात हो तो अब हम क्वेश्चन आंसरिंग सेशन कर लेते हैं। और आई नो मैंने आज आप लोगों को चीज़ें 3 घंटे में पढ़ाई हैं, ये तकरीबन जो मैं नॉर्मल कोर्स लेता हूँ उसमें मैं 2 हफ्ते में ये चीज़ें सारी डिटेल में पढ़ाता हूँ। तो आप लोगों को थोड़ी क्विकली बताई हैं चीज़ें, बिकॉज थोड़ा सा कंसाइज करके बताना था, 3 घंटे की क्लास है, सो उसमें आप लोगों ने थोड़ा सा मैनेज करना है इसे। ट्राई टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करने की कोशिश करें, रादर के आप लोग ये कहें कि हमारे बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर रहा है। तो इससे रिलेटेड अब आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, हमारे पास आधा घंटा है 20 मिनट तक। सो वन बाय वन हम क्वेश्चंस लेते हैं, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करते जाएं और सवाल पूछते जाएं। किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, आप में से किस किस का फाइवर यूजर नेम और फाइवर का अकाउंट जो है वेरीफाई हो चुका है? अच्छा, फैसल कह रहे हैं कि मेरा फर्स्ट टाइम था बट बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। थैंक यू फैसल, आई एम ग्लैड के काफ़ी चीज़ें जी। मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, मैं ग्रुप में जो है इकट्ठी वी ट्रांसफर फाइल जो है मैं शेयर कर दूंगा, फिर वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि हमारे ये कोर्स सिर्फ फाइबर से रिलेटेड ही था, इसमें हम लोग ने डिज़ाइनिंग नहीं सीखी क्योंकि वी हैड लिमिटेड टाइम। तो मेरी कोशिश ये थी कि एटलीस्ट मैं आप लोग को फाइबर का कम्प्लीट जो है ना तरीका बता दूं। ऑब्वियसली इसके अलावा अपवर्क भी है, पीपल पर आवर है, अगर आप लोगों को सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी हम फ्यूचर में सेशंस रख सकते हैं, तो वो मैं मैम से डिस्कस कर लूँगा, या अगर वो नहीं हो पाएंगे तो फिर ट्यूटोरियल्स भी हैं वो आप देखें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अगर किसी का डिज़ाइन में, वैसे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पर, एक तो डिज़ाइन से रिलेटेड तो आप मेरा वो लेक्चर्स ले सकते हैं, उसके अलावा आप लोग मुझे बता भी सकते हैं कि आप लोग की कौन कौन सी स्किल्स बैकग्राउंड हैं या उसमें आप जाना चाहते हैं। यूट्यूब पर कोर्सेज पढ़े हुए हैं हर चीज़ के, आप लोग देख सकते हैं, यू नो जिस तरह डिज़ाइनिंग के, इस तरह फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट में आजकल फ्लटर बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हर चीज़ के आपको पूरे फुल कोर्सेज मिल जाएंगे यहाँ पर, आपको फुल कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, फ्लटर का फुल कोर्स 5 घंटे का फुल फ्लो कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से आप सीख सकते हैं डेटा एंट्री के या डेटा मैनेजमेंट के, अगर आप कोई सीखना चाह रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर है, एक्सेल है, यूट्यूब पे आपको हर चीज़ फ्री में मिल जाएगी, बस उसको जरा इस्तेमाल करना, थोड़ा सा सीखें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 3 घंटे का ये पूरा ट्यूटोरियल है, आप ये देख सकते हैं। उसके अलावा जो भी आप सीखना चाहते हैं, डेटा एंट्री है या आर्टिकल राइटिंग है, YouTube नहीं तो आपके पास यहाँ पर फिर 2 पेड आप कह लें, लेकिन वो आप लोग शेयर बेसिस पर भी ले सकते हैं, स्किल शेयर है आप लोग के पास यहाँ पर। स्किल शेयर आप लोग का जो है फर्स्ट 7 डेज जो है फ्री होता है, इट्स लाइक वो जिस तरह आप लोग अपना कार्ड के साथ इसमें एंट्री कर सकते हैं, और फर्स्ट 7 डेज में यहाँ पर ना कुछ बने बनाए कोर्सेज होते हैं डिफरेंट, यू नो यहाँ पर अगर आप ब्राउज पे जाएं, एनिमेशन है, क्रिएटिव राइटिंग है, फिल्म एंड वीडियो है, ग्राफिक डिज़ाइन, इलस्ट्रेशन, म्यूजिक, फोटोग्राफी, वेब डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, वर्कशॉप्स भी हैं यहाँ पर।
तो वेब डेवलपमेंट में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर बने बनाए कोर्सेज हैं, आप लोग उसमें इनरोल हो सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ फी है वो आप लोग दे सकते हैं. यू नो मे बी आप शेयरिंग बेसिस पर एक बंदा ले ले, वो फिर अपनी लॉगिन को शेयर कर दे दूसरों के साथ, ये भी हो सकता है. और ऑब्वियसली क्योंकि पाकिस्तान है तो यहाँ पर वो आप अगर यहाँ पर सर्च करेंगे कि स्किल शेयर का आप फ्री में कोर्स किस तरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके भी तरीके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, वरना अगर आप साइन अप करना चाहते हैं तो साइन अप भी कर सकते हैं. उसके अलावा उदमी है, इसका भी आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे पेड कोर्सेज होते हैं. उदमी के भी कुछ फ्री कोर्सेज मिल जाते हैं, आप लोग अगर सर्च करेंगे इंटरनेट पर, यूट्यूब पर उदमी फ्री कोर्सेज आप लोगों को मिल जाएंगे, खासतौर पर वर्डप्रेस के, ठीक है, उसके अलावा फोटोशॉप के, इलस्ट्रेटर के, कैनवा के, इसके आप लोग को फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे. अब यहाँ पर बहुत सारी स्किल्स हैं, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, पाइथन प्रोग्रामिंग. अब ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में जाना चाहते हैं, किस में आपका इंटरेस्ट है, किस में आप लोग पहले स्किल में जाने से पहले ना आप लोगों ने थोड़ा सा उस पर रिसर्च भी करना है. अब ऐसा ही नहीं है कि एक इम्पेशेंट बंदा जिसने वेब डेवलपमेंट पहले बिल्कुल भी ना की हो और उसमें पेशेंस की भी कमी हो, कुछ लोग होते हैं नेचुरली वो वेब डेवलपमेंट में चला जाए तो वो वेब डेवलपमेंट छोड़ देगा, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में वही लोग जाते हैं जिनके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है और वो एक जगह बैठ कर काम कर सकते हैं इकट्ठा. इसी तरह डिजाइनिंग भी है, कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें फॉर एग्जांपल आप लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर बेड पे बैठ के भी काम कर सकते हैं. इस तरह राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, यू नो कुछ स्किल्स हैं जिसके लिए आपको पूरा सेटअप चाहिए होता है. जिस तरह डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग में अगर आप जाएंगे आपको एक हैवी सेटअप चाहिए जिसमें आपके साथ सिस्टम के साथ फैन भी लगा हो, स्क्रीन हो, कलर्स ऐसी स्क्रीन हो जिसमें कलर्स आपको प्रॉपर नजर आए. तो हर स्किल की थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को आप लोगों ने स्टडी करना है. कि आप लोग ऐसा नहीं है कि आप बस वेब डेवलपमेंट सुन के अच्छा लग रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है, चलो जिसमें चले जाते हैं. आप उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनके चैलेंजेस, उनको स्टडी कीजिएगा कि क्या उन पर आप पूरा उतर भी सकते हैं कि नहीं. ठीक है, तो ये आप लोग को कुछ टिप्स बतानी थी कि आप इस बेसिस पर, स्किल शेयर है, उद्यमी आपके पास, यूट्यूब है, यूट्यूब से आप लोग को, वैसे यूट्यूब से सिर्फ आप लोग को अकेले बेतहाशा कोर्स मिल जाएंगे. वर्डप्रेस अगर आप यहाँ पे लिखे हैं, वर्डप्रेस कंप्लीट वेबसाइट ट्यूटोरियल कंप्लीट कोर्स अगर आप यहाँ पे लिखे हैं, 8 घंटे का पूरा एक कोर्स पड़ा हुआ है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप. तो क्या चीज़ यूट्यूब पे नहीं मिलती आप लोग को, एवरीथिंग इज अवेलेबल. इट्स जस्ट के मेरा मकसद आप लोग को ये था कि आप लोग को एटलीस्ट फ्रीलांसिंग का मैं पाथवे दिखा दूँ, फिर आप लोगों को स्किल्स का जो है ना थोड़ा सा पाथवे आप लोगों ने खुद चुनना है. लेकिन मैंने उसकी आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी है कि आप लोगों ने ऐसे ही नहीं सेलेक्ट कर लेनी, आप लोगों ने उसके चैलेंजेस, उसके फायदे, उसका स्कोप, उसकी हर चीज़ को पढ़ना है, अपने इंटरेस्ट, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को लिखें. क्या आप जो स्किल सेलेक्ट करने जाएंगे क्या आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस उस पर लाई डाउन करती हैं कि नहीं, क्या आपकी स्किल जो है वो वीकनेस, फॉर एग्जाम्पल किसी की वीकनेस है वो इम्पेशेंट हो जाता है. अब वेब डेवलपमेंट एक ऐसी स्किल है जिसमें पेशेंट लोग ही भाई काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपकी मैच नहीं हो रही स्किल, उसको एक्नॉलेज करना है. ये भी नहीं कि आप ये कहना कि जी मेरी तो कोई वीकनेस नहीं है, हर पर्सन की वीकनेस होती है, आपने उस वीकनेस को ऑनेस्टली एक्नॉलेज करना है, पेपर पे लिखना है अपने सामने, और स्किल के चैलेंजेस को पेपर पे लिखना है, उसके फायदों को लिखना है, और फिर मैच करना है कि अच्छा ठीक है आपकी स्ट्रेंथ अगर है, फॉर एग्जाम्पल आपका माइंड बड़ा क्रिएटिव है, आप स्टोरी टेलिंग वैसी यानी कहानी अच्छी सुना लेते हैं, तो मे बी आप स्टोरी टेलिंग की स्किल में आप जा सकते हैं, या आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है तो मे बी आप वॉइस ओवर में जा सकते हैं, यू नो. तो आपने अपने अपनी स्किल्स को अंडरस्टैंड करना है, अपने जो पर्सनल आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं उनको लिखना है और उनको देखना है कि वो इन स्किल्स से किस तरह मैच करती हैं, फिर आपने स्किल सेलेक्ट करनी है. जज़ाकअल्लाह जी, आप सबको ईद मुबारक इन एडवांस, एंड आई होप आप लोग की ईद बहुत अच्छी गुजरे अपनी फैमिलीज के साथ. और इसी से ज़रूर सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने इर्द गिर्द में जो नीडी लोग हैं उनका ज़रूर ख्याल रखिएगा, और इट्स ऑल अबाउट गिविंग. सो ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू, इंशाल्लाह आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी. थैंक यू, जज़ाकअल्लाह जी.